पूरा का पूरा गाइज पेपर है कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपको मिलने वाला है ठीक है आप सब कुछ ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग शुरू करते हैं लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको यह भी बता दूं यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको अन अकेडमी दी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड आफ्टर डाउनलोडिंग अन अकेडमी लर्निंग ऐप चूज योर कैटेगरी एग्जाम कैटेगरी एन टी ए यूजीसी नेट एंड देन सर्च माई ने अंकित कुमार साहू राजवीर और इन शॉर्ट ए के एस राजवीर ओके एंड देन क्लिक ऑन फॉलो गाइड यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके लिए फॉलो का सो जस्ट क्लिक ऑन फॉलो सो दी क्लासेजी दी लर्निंग ऐप पर भी इंजॉय कर पाए लेट्स बिगिन द सेशन गाइड है ना सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज स्टूअर्ट हॉल बिलोंग्स टू एंड देन स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज डायरेक्टली गई जी बहुत इजी क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट नंबर सेवेंथ और कल्चरल स्टडीज से है सो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बर्मिंगहम एंड अमेरिकन सो देखिए जब भी आप कल्चरल स्टडीज की बात करते हैं सो विच वन यूनिवर्सिटी इज देयर कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको वहां पर मिलती है देखिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बता दूं ज्यादातर जब भी हम लोग बातचीत करते हैं ना रिगार्डिंग कल्चरल स्टडीज तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है मतलब दो टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं ऑफ एजुकेटर्स लाइक सम ऑफ देम कहेंगे अरे ये तो बहुत इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड ये वाली यूनिट जो है और कुछ लोग कहते हैं बहुत इजी है और मैं कहता हूं बहुत इजी है वाई गाइज बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम सो द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइज आपके लिए आंसर जो है सो द आंसर इज स्टूअर्ट हॉल रिचार्ड होगाट ये गाइज जो आपके बेसिकली की फिगर्स हैं है ना गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग अनामिका शालिनी भाविका विकास पूजा ट्विंकल मनोज ओके वाह गुड इवनिंग सो हॉल अलोंग विद रिचार्ड होगाट एंड रेमन विलियम्स ये गाइज फाउंडिंग फादर थे कल्चरल स्टडीज के दीज वर नोन एज दीज आर नोन एज द फाउंडिंग फादर और बर्मिंगहम से गाइज एसोसिएटेड है ये सब लोग जानते हैं है ना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स प्लीज आप आंसर थोड़ा करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे यह पता चलता रहे कि कैंडिडेट्स आंसर कर रहे हैं ठीक है सो बर्मिंग इज द राइट वन आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वन देखिए विच ऑफ दीज आर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क्स बाय डेरिस लेसिंग डोरिस लेसिंग एंड देम रेस्पेक्टिव सो so गाइज यहां पर देखिए वर्क के नेम लिखे हुए हैं जो डोरिस लेसिंग से एसोसिएटेड है द गोल्डन नोटबुक द गुड टेररिस्ट सिकस एंड अल्फ्रेड एंड एमली एंड द ग्रास इज सिंगिंग दीज ऑल आर द वर्क गाइज बस आपको यह देखना है कि किस वर्क का जो डिस्क्रिप्शन दिया है दैट इज करेक्ट ओके द वर्क एंड इट्स डिस्क्रिप्शन दैट इज करेक्ट वो आपको यहां पर बताने की जरूरत है, है ना आइए हम लोग इसको समझते हैं बहुत इजी इजी टाइप से समझ लेते हैं है ना यस yes. जो इसका राइट right आंसर है आपके लिए जो कॉम्बिनेशन बनता है आर द ऑप्शन है ना बी एंड ए ए बी एंड ई गाइज ये आपका करेक्ट वाला आंसर है ठीक है यस yes. तो आप ये सोचेंगे कि सर ये अगर करेक्ट डिस्क्रिप्शन है इनका अल्फ्रेड एंड एमली एंड शिकस्त ज अबाउट अ प्लान नहीं गाइज एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ अर पेरेंट्स नो ये दोनों इनकरेक्ट है ठीक है सो so, जो करेक्ट है उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं द गोल्डन नोटबुक द गोल्डन नोटबुक सो द गोल्डन नोटबुक डील्स विद जोहर ट्रेवलिंग टू रोहोंडा दिस इज द प्लेस गुड टेरिस्ट इज अबाउट लव अफेयर एंड सी द्रास इज सिंग ड्रॉज फ्रॉम हर एक्सपीरियंस इन अफ्रीका अगर आपने तो पढ़िएगा जरूर ये इंपॉर्टेंट नेम है फॉर यू जी सी मस्ट रिमेंबर तो देखिए मैं आपको बता दू इन सभी का मैंने इसीलिए डिस्क्रिप्शन ड्रॉप किया है ओके सी का द वर्क सिकस्ता गॉट इट यस द वर्क सिकस्ता इज देयर और गोल्डन नोटबुक दिकस्ता एंड अलफ्रेड एंड एमली है ना यस सिकस्ता रिकॉलोनाइज प्लानेट फाइव सो गाइज ये जो वर्क है ना इज अटीन सेवेंटी नाइन अस फिक्शन वर्क है डोर इसमें लेसिंग का और ये कैंपस ऑफ ऑर्गस करके एक इनकी ट्रिलॉजी है कैनपस इन ऑर्गेस्ट्रीलॉजी एक सीरीज आई थी इनकी नॉवेल की उसका पार्ट है ये वो वाला नहीं है ठीक है अल्फ्रेड एंड एमली इज ए बुक बाई डाइब्रिड फॉर्म पार्ट फिक्शन पार्ट नोटबुक एंड पार्ट मेमोर इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन दर टू थाउजेंड एट और वहां पर क्या था डूम्ड लव अफेयर नो इट्स नॉट ऑल अबाउट डूम्ड लव अफेयर सो गाइज देख लीजिए ये सारे वर्क का डिस्क्रिप्शन भी मैंने इसीलिए ड्रॉप किया है वंडरफुल क्लास रहेगी आपके लिए आप इंजॉय कीजिए इस पूरी क्लास को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एटलीस्ट आपको यह पता चलेगा इन ट्वेंटी 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 टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे गायत्र बहादुर रोट एन ऑटोबायोग्राफिक नॉवल टाइटल्ड एन एरा ऑफ डार्कनेस डॉका पुरान द कोले वन और रामाज बैनिशमेंट इनमें से कौन सा वाला वर्क लिखा था गुड इवनिंग एवरीवन सभी लोग आ गए हैं गुड इवनिंग तो बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं और बहुत सारे नहीं आए क्या बात खैर ठीक है जो भी आ गए हैं प्लीज आंसर जरूर कीजिए है ना अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा मस्ट आंसर ठीक है ग्रेट ओके देखिए इसका राइट right आंसर इसके राइट right आंसर पर हम लोग चल लेते हैं थोड़ा सा देखिए गाइज राइट आंसर है कोली दिस इज द वर्क बहादुर है ना यस द कोली वेमे एक्चुअली में गाइज ये जो लेडी आपको इधर नजर आ रही है इन्हीं का नाम है गायत्र बहादुर ओके द नेम ऑफ द लेडी ये जो आपको साइड में इधर इस, इस साइड में लेडी नजर आ रही है कौन है ये एक्चुअली ये गाइज ग्वेना में रहती थी गिवेनीज एन अमेरिकन राइटर है बेस्ट नोन फॉर द वर्क वर्कलीमेन ये जो गाइज वर्क आपको नजर आ रहा है एक्चुअली दिस वन वर्क वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जॉर्ज ऑरवेल और इयर टू थाउजेंड फोर्टीन बहुत ही रिसेंट का है है ना मतलब ये बहुत ही रिसेंट लिटरेचर है बेसिकली है ना यस yes. और ये जो बुक है गईस द बुक इज बायोग्राफी ऑफ सुजारिया सुजरिया ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर एंड साइमन साइमली एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द देंचर लेबर सिस्टम इंडेंचर लेबर सिस्टम लेबर सिस्टम बहुत ही बेकार गाइज सिस्टम था ये विच वॉज प्रैक्टिस इन करेबिया करेबिया में प्रैक्टिस किया जाता था और ऐसी प्रैक्टिस गाइज इवन इंडिया में भी रही है, है ना वर्क आई होप सो कि अब आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे ये जब देखिए जो ये क्वेश्चन है टोटली न्यू क्वेश्चन है है ना तो क्या हमें ऐसे राइटर्स को भी पढ़ना चाहिए एन टी ए का देखिए जो पैटर्न है वो डे बाई डे एक्सपैंड होता जा रहा है ना हम लोग देख रहे हैं कि एवरी डे जो इसका पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है करेक्ट और चेंज होने पैटर्न में यू हैव सीन की कभी न्यू लिटरेचर तो कभी क्लासिकल लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं देन माई सजेशन इज कि आपको ऐसे राइटर्स के लिए गाइज वॉट यू हैव टू डू फॉर दिस राइटर्स आपको ओल्ड और न्यू दोनों देख लेने चाहिए ठीक है यस yes. अब आप समझ सकते हैं 2014, है ना अब आप खुद ही समझ सकते हो कितना रिसेंट से एसोसिएटेड है नाउ नेक्स्ट वन सो so गाइज ये आपकी मैचिंग वाली लिस्ट है यू हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड ये जो वर्क है गाइज तो ये एसोसिएटेड वर्क है राइटर्स के साथ सो प्लीज सलीम अली जिम कॉर्बेट कैलासला एंड एम कृष्णन तो इनके गाइज जो वर्क है उनसे आपको मैच करना है यहाँ पर मैच कीजिए फटाफट वेलकम दोज और जो नहीं भी है न्यू पूरे हंड्रेड क्वेश्चन आज करेंगे और देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिल जाएगी एटलीस्ट ओके सो राइट वन आंसर राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन है ना ये देख लीजिए सो आंसर करेंगे सलीम अली द फॉल ऑफ स्पैरो वैसे भी गाइड सलीम अली को आप बर्ड लवर एंड ऑल है ना जानते ही होंगे देन वी हैव जिम कॉर्बेट गाइड जिम कॉर्बेट ने कौन सा वाला वर्क लिखा था जिम कॉर्बेट द ऑथर ऑफ यस द ऑथर ऑफ विच वन वर्क गाइज ज इट फोर्थ वन जिम कॉर्बेट माई इंडिया यहां पर गाइज लिखा था देखिए हाँ ठीक है द फॉल ऑफ स्पैरोट माई इंडिया ये गाइज इनका कौन सा वाला वर्क है प्लीज चेक ये वाइल्ड ब्यूटी के साथ एसोसिएटेड है एंड एम कृष्णन नाइट एन डेज बाई बुक ऑफ माई इंडियन वाइल्ड लाइफ देखिए अगर आप बात करें ना तो ये देखिए कुछ ऐसे वर्क है जो यहाँ पर uh, मैंने मेंशन किए हैं यू हैव सीन वाइल्ड ब्यूटी है ना देखिए वाइल्ड ब्यूटी नेम है एंड वाइल्ड ब्यूटी एसोसिएटेड विद कैलास वाइल्ड ब्यूटी गाइज ये कई दो तीन वर्क हैं ऐसे इसी टाइटल के वाइल्ड ब्यूटी ए स्टडी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड ब्यूटी बाई एना मारिया सो गाइज दो वर्क हैं देखिए वाइल्ड ब्यूटी नाम का एक वर्क लिखा है एना मारिया ने और ये जो वाइल्ड ब्यूटी ये वाला है इसका कंप्लीट टाइटल है स्टडी ऑफ अ स्टडी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ ठीक है स्टडी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ दिस इज द कंप्लीट टाइटल द फॉल ऑफ स्पैरो अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं द फॉल ऑफ स्पैरो सलीम अली कईज ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल सलीम अली वैसे भी सलीम अली बर्ड लवर जाने जाते हैं अब आपसे अगर अगर आप, आप ये कहें सर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम कैसे समझ सकते हैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इंग्लिस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये आपको इंडियन राइटिंग का पार्ट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिस जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह राइटर एटलीस्ट और कोई नजर ना आए जिम कॉर्बेट और सलीम अली नजर आ सकते हैं आपको ठीक है इंडियन राइटिंग में नेक्स्ट वन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो क्वेश्चन है मेड द प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग साइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेस फॉर फिफ्टीन इज ये जो क्वेश्चन है गाइज आपका तो जो आपकी इंग्लिश इन इंडिया वाली यूनिट है ना इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर है ना सो इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवल्यूशन एंड फ्यूचर वो ये उसी वाले पार्ट से है तो गाइज एक आर्टिकल है एंड द आर्टिकल नंबर इज मैं नहीं बताऊंगा वो आप आंसर करोगे दैट आर्टिकल जो गाइज कहता है कि हिंदी के साथ इंग्लिस एज द असिस्टेंट लैंग्वेज है ना एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस के बाद अप्लाई किया गया था फॉर फिफ्टीन ईयर्स ये देखिए यहां पर है ना फिफ्टीन ईयर्स बट क्या हुआ गई कि लेटर ऑन आफ्टर फिफ्टीन ईयर ये इम्पॉसिबल हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को रिमूव किया जा सके क्योंकि पहले क्या uh, मतलब ये सोचना था कि इंग्लिश को धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया जाएगा एंड हिंदी लैंग्वेज को क्या किया जाएगा धीरे धीरे इसे और प्रमोट किया जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया आर्टिकल नंबर थ्री फोर थ्री गाइस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिकलीस yes. तो ये वाला जो, ये वाला जो पार्ट है ऑलरेडी in मैं मैंने पढ़ाया था यस yes. 15 ईयर के लिए आपके लिए फर्स्ट मैंने ऐसा कैंडिडेट्स को बताया था कि 15 ईयर के लिए इसे अप्लाई किया गया था एंड ऑन द सेम वे ये क्वेश्चन भी आपके लिए आया था ठीक है नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू बार्थ ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर कॉमन टू ऑल ऑलटिव किस तरह के कोड कॉमन है सभी नैरेटिव के लिए सिंथेटिक कोड पैरियोरेटिक कोड सेमिक कोड और हारमोनियोटिक कोड सिंबॉलिक कोड किस तरह के कोड आंसर कीजिए जल्दी से आपके लिए देखिए मैचिंग दिया हुआ है मैचिंग के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए ओके ये एनालिसिस आपको आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये बात आप अपने माइंड में डाल दीजिए कि आपको इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये एनालिसिस आपके समझ लीजिए बहुत काम आता है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं सो रोलाइन बात ने गाइज किस टाइप के कोड्स की बात की थी दैट आर कॉमन है ना यस सो पैरियोरेटिक कोड सेमी कोड हार्मोन्यूटिक कोड एंड सिंबॉलिक कोड दीज आर द फोर कोड्स जिनके बारे में बातचीत की थी एक्चुअली गाइज थे तो फाइव कोड बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर जो सिंथेटिक कोड दिया हुआ है ये नहीं था सो सो वन फिफ्थ देयर यहां पर कल्चरल कोड था ये जो यहां पर ऑप्शन में नहीं है ओके ही इंट्रोड्यूस्ड फाइव काइंड ऑफ कोड ये देखिए हार्मोन्यूटिक पैरियोरेटिक सिमेंटिक सिंबॉलिक एंड कल्चरल कहां पर गाइज इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली सो so, ये एस एंड जेड करके एक वर्क है एस एंड जेड इन दर्क इन टाइटल एस एंड जेड और यहां पर बालजैक के एक स्टोरी को एनालिसिस के लिए भी लिखा गया लिया गया था गाइज ऑनर डी बालजैक इनका एक वर्क था जिसको एनालिसिस के लिए पिकडअप किया गया था सो दिस इज द क्वेश्चन गाइज बार्थ कोड्स कॉमन कोड्स ऑफ नैरेटिव All kind of narratives में, ठीक है? ये ये भी भी पर ये जानना जरूरी था आपके लिए कि याद याद कर लिया, the name of the work भी याद कर लिया, लिया, किसको, जैसे अगली बार क्वेश्चन हो सकता है कि इन एस एंड जेड वेन ही गेव टाइप्स ऑफ कोड्सूज स्टोरी ही अप फॉर द देखिए बाल जैक लिखा हुआ है ना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है क्वेश्चन से ही आपके आंसर से क्वेश्चन बनते हैं या डिफरेंस बन जाते हैं ये फोर दे देगा कभी है ना कोई भी पिकडअप कर देगा नेक्स्ट वन वॉट इज मींट बाई कॉर्पोरेट ऑथर इन रिसर्च रिसर्च में कॉर्पोरेट ऑथर का क्या मतलब होता है रिसर्च में कॉर्पोरेट ऑथर का क्या मतलब है राइटर हु बिलोंग्स टू कॉर्पोरेट कंपनी

उसके लिए लिखते तो हैं वो लोग कॉर्पोरेट ऑथर बट होता क्या है गाइस कि फिर उसको कंसीडर किया जाता है दैट दिस इज एसोसिएटेड विद एन इंस्टीट्यूशन या किसी कंपनी के लिए है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के लिए है ऑथर एमबी हो जाता है वहां पर ठीक है ग्रेट वंडरफुल नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है देखिए मैचिंग वाला मेलकम ब्रैडबरी डेविड लॉर्ज किंगसले एमिस देखिए किंग्सले एमिस और जो एक मूवमेंट था बेसिकली जिसे हम लोग जैसे कैंपस नॉवल या एंग्री यंग मैन मूवमेंट ये दो तीन है जो बहुत आपके एग्जाम में आए हैं इवन जो कैंपस नॉवल का पार्ट है वो यही है शायद है ना यू कैन सी मेलकम ब्रैडबरी डेविड लॉज किंग्सले एमिस और सी पी स्नो मास्टर्स लकी जिम तो देखिए यहां पर मैच करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किंग्सले एमिस को मैच कर दीजिए है ना जब आप किंग्सले एमिस को मैच करते हैं लकी जिम के साथ मैच कर लेते हैं सी को सेकेंड से सी सेकेंड आप देख लीजिए कहां पर नजर आ रहा है सी सेकेंड इन दिस वन ऑप्शन बी ऑप्शन है मतलब यही ले लीजिए बाकी को आपको ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है परेशानी नहीं होना है ना लकी जिम मेलकम ब्राडवेरी का गाइस कौन सा वर्क है मास्टर्स डेविड लॉज का कौन सा वर्क हो गया सो दैट इज चैंजलिंग पैलेसेस एंड प्लेसेस एंड देन सीपी स्नो बचते हैं तो गई सी पी स्नो का है द हिस्ट्री मैन सीपी स्नो द हिस्ट्री मैन है ना यस yes. गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कुछ अच्छा मैंने डबल इसमें मैचिंग दे दिया है नहीं नहीं आइए थोड़ा सा डबल मैचिंग है प्लीज सी डी वन है इस पर यह देख लीजिए मैंने पूरा का पूरा ये डिटेल लिख दिया है वो छोड़ दीजिए उसमें थोड़ा सा डबल मैचिंग है चेंजलिंग uh, ये गाइज जो चेंजिंग प्लेसेस है दिस इज द वर्क एसोसिएटेड विद डेविड लॉज ओके हिस्ट्री मैन दिस इज द वर्क दैट इज एसोसिएटेड विद ये भी देखिए गाइज आपका कैंपस नॉवल है मैंने बताया ना आपको कैंपस नॉवल के बारे में मैंने इंडिकेट किया है दिस इज ऑल्सो अ कैंपस नॉवल ये देख लीजिए ये भी कैंपस नॉवल है लकी जिम तो ये तो है ही कैंपस नोवेल है ना The master's guides. ये Snow का वर्क है एंड दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद कैंपस नोवेल है ना देखिए का ये fifth novel, lucky तो novel, ये नोवेल है तो भी देख लीजिए मैंने आपको कहा कि कैंपस नोवेल से देखिए क्वेश्चन बनता है या फिर एंग्री यंग मैन मूवमेंट से क्वेश्चन बनता है किंग्सले एमिस जो है ये जो लकी जिम जो वर्क है गाइस

जो कैंपस के साइड में डन होती है ठीक है वैसे ही नॉवेल्स को लेकर के ठीक है ग्रेट मतलब सेटिंग जो होती है वो कैंपस होती है यूनिवर्सिटी होगी यूनिवर्सिटी कैंपस एंड वो समझ लीजिए विच अमंग द फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट अबाउट लैटिन अमेरिकन लिटरेचर ठीक है ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा क्वेश्चन चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के लिए पूछ रहा है और क्या होता है कि देखिए सब लोग लैटिन अमेरिकन लिटरेचर को लेकर के नहीं पढ़ते हैं पढ़ते हैं क्या देन योर आंसर इज डेफिनेटली कि कोई लैटिन अमेरिकन अफ्रीकन फिर कोई कैरिबियन कोई कहीं से भी क्वेश्चन थोड़ा वेरियस नेचर के हैं तो ये क्वेश्चन वैसा है कि जिसको देखने के बाद थोड़ा निराश होना पड़ जाए अगर मैं हूं तो मैं तो थोड़ा निराश रहूंगा अब आपके बारे में तो मैं जनरल नहीं कह सकता कि आप क्या करोगे राइट आंसर इज सी एंड डी डे जी पॉट्स स्टोरी डिपिक्ट जियोग्रफी ऑफ दिलम बालम टाउन्स एंड क्विंचुआ हैड अ वाइडर पॉपुलरिटी एंड प्रेजेंस प्रेजेंक्रॉस डिफरेंट नेशन क्योंकि देखिए इन कॉन्सेप्ट के बारे में जब नहीं मैं समझता तो इनको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग टाइप है ना तो समझ लीजिए जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा एग्जाम में तो लगता है अरे भाई साहब छोड़ दो लेट इट बी है ना जाने दो इसको ऐसे टाइप है नेक्स्ट वन देखिए क्या होता है ना कि एंसियंट और मॉडर्न के क्वैरल को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए है ना और एक क्वेरल था जो जूनाथन स्विप्ट के वर्क में भी नजर आता है देयर इज अ क्वेरल द्लेस इन जूनाथन स्विप्ट जोनाथन स्विफ्ट का कौन सा वाला वो वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का एक वर्क है क्या नाम है उसका हा बैटल ऑफ द बुक इन द लाइब्रेरी दैट बैटल बैटल ऑफ द बुक्स है ना तो वहां पर एंशियंट और मॉडर्न है लेकिन ये देखिए लिटर वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म कीप इन माइंड तो अब हम लोग क्या करते हैं समझते हैं इसका आंसर ये गाइज आंसर है 16th सेंचुरी सेंचुरी 16th है ना एंसियंट एंड मॉडर्न क्वारल इन वेस्टर्न क्रिटिसिज्म लिटरेरी अपियर ड्यूरिंग सिक्सटींथ सेंचुरी ये आंसर किसने दिया है ये सॉरी बेसिकली ये क्वेश्चन आया किस वाली बुक से है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉर्ज सेंट्सबरी की एक बुक है इस वाली बुक से यह क्वेश्चन पिकडअप किया गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाई जॉर्ज सैंट्सबरी यहां से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आया है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन बुक सिक्सटींथ सेंचुरी ठीक हाँ आप तो अच्छा लगा होगा यह भी बता दिया मैंने कि किस बुक से आया हुआ है यह तो मतलब और खुशी की बात हो जाती है इन ईयर माइल्स ट्रांसलेटेड द ओल्ड टेस्टामेंट जब मैंने लास्ट में देखिए बाइबल वाला रिविजन करवाया था तो बाइबल के रिविजन में मैंने ये वाला पार्ट था आपको है ना कि बाइबल से एक क्वेश्चन जरूर आता रहता है कई सारे कैंडिडेट कह रहे थे बाइबल से क्वेश्चन मैंने कहा यस क्वेश्चन फ्रॉम बाइबल बाइबल से ये देखिए कब ट्रांसलेटेड द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल एक आपका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में है ना yes definitely so then right answer of this one question so 1535 is the right answer 1535 the coverdell bible compiled by miles coverdell and published in the year 1535 was the first complete modern english translation first complete modern english translation of bible not just the old testament or new Des testament पूरी कंप्लीट बाइबल थी कई है ना पूरी कंप्लीट ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट को लेकर के नेक्स्ट वन देखिएगा। मैच मैच लिस्ट लिस्ट विद नंबर सेकंड। सो जेंडर एंड नेशन ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी सोल्स ऑफ ब्लैक फोक। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं आप आंसर कीजिए सोल्स ऑफ ब्लैक वोक ये जो वर्क है ये आपके एग्जाम में थर्ड टाइम है आया है थर्ड टाइम ठीक है इसके पहले ये टू टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है ऑन एन टी एन यूजी सीनेट एग्जाम ओके सोल्स ऑफ ब्लैक वोक अब आप आंसर कीजिए देखिए मैं ये भी बता दूं ये वर्क है डब्ल्यू डब्ल्यूबी डू बोईस का डी को हम लोग थर्ड से मैच करते हैं और देख लीजिए डी को थर्ड से मैच करने पर ये वाला ऑप्शन बन रहा है है ना डी थर्ड तो इसी को राइट आंसर मान लेना ये आपके गाइस एग्जाम में थ्राइस आया है मतलब टू टाइम ऑलरेडी आ चुका है और ये होगा थर्ड टाइम जब ये एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया अब आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं तो अब आप देखिए डी थर्ड वन डी थर्ड यही आंसर इसके अलावा और कोई आंसर करने की जरूरत है क्या नहीं मुझे लगता है ऐसा की नहीं जरूरत है ठीक है ना ये सारे जो वर्क दिए हैं ये किस किस ने लिखे हैं इनको भी जान लीजिए देखिए यही होता है स्मार्टनेस ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं ना तो मान लीजिए कि देखिए आप पढ़ते तो डिफरेंट डिफरेंट पर होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना काम है एंड डेफिनेटली आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पढ़िए बट मेरा एक रिक्वेस्ट मानिएगा जो मैं सजेशन देता हूं अगर आप इतना सजेशन फॉलो कर लोगे तो क्रैक कर जाओगे एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर बस like समझ करके चलिएगा सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्क देखिए इसका पूरा टाइटल है सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, आइडेंटिटी एंड डिफरेंस इन रेनेसा ड्रामा बाई बेलसी कैथरीन 85 के टाइम पीरियड में आया था बेलसी कैथरीन ने लिखा था ये देखिए कैथरीन बेलसी दिया हुआ है यहां पर है ना कैथरीन बेलसी ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी ये वर्क किसका है ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी इज अ बुक अबाउट होमोसेक्सुअलिटी इन एंशियंट ग्रीस ग्रीस में होमोसेक्सुअलिटी कैसी थी उसको लेकर के ये वर्क है है ना इसको लिखा है नीथ डॉवर ने नीथ डॉवर ने 1978 1978 में जेंडर एंड नेशन ये नीरा यूवाल ने लिखा है नीरा यूवाल डेविस 1997 के टाइम पीरियड में और द सोल ऑफ ब्लैक फोक वो तो मैंने बताया है ना? E. Du Bois, work, है ना डब्ल्यू डू बॉइस ये अमेरिकन लिटरेचर का वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क नाइनटीन में सोल ऑफ ब्लैक फोक्स ठीक है कुछ जानकारी मिली हो तो एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा खुश जरूर हो लीजिएगा बिना खुश हुए काम नहीं चलता of इंग्लैंड अल्फ्रेड आस्टिन रॉबर्ट ब्रिज वॉल्ट ड Watts डंटन ऑस्कर वाइल्ड तो इनमें से आंसर आपको चूज करना है कि कौन पोएट लॉरिएट्स थे वैसे NTA यहां पर लाइन और लेंथ अपनी खराब कर चुका था है ना? एन <laughs> ने अपनी लाइन और लेंथ ये क्वेश्चन एक्चुअली में इनकरेक्ट हो गया था ऑप्शन की वजह से लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बता देता हूं देखिए अल्फ्रेड ऑस्टिन गाइस तो ये जो है आपके पोएट लॉरिएट बने थे 1896 90, uh, 1896 है ना और रॉबर्ट ब्रिच ब्रिज की अगर मैं बात करूं अरे 18 लिख दिया क्या हाँ ठीक है 1896. रॉबर्ट ब्रिज की अगर बात करूं 1932 थर्टी टू ठीक है ग्रेट लेकिन ये और ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये नहीं थे दो लोग नहीं थे ठीक है आंसर उसने क्या दिया था एनटीए ने आंसर जो दिया था लाइन और लेंथ भूल करके उन्होंने दिया था ए बी एन सी तो आंसर इसीलिए जो है बच्चों को सबको नंबर कॉमन वाला मिल गया ठीक है आइए थोड़ा सा मिल लेते हैं पोएट लॉरिएट्स ऑफ इंग्लैंड

हैप्पी एंडिंग ऑफ किंग लियर निकोलस रो ये भी एक प्लेराइट थे लॉरेंस यूस्टन इनके बारे में कम सुना होगा आपने कॉली सिवर के बारे में सुन लिया होगा कभी ना कभी ना विलियम के बारे में ना 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 इनके बारे में नहीं सुना होगा टॉमस वॉर्टन बहुत कम हेनरी जेम्स पी इनके बारे में भी तो नहीं सुना आपने रॉबर्ट सदे के बारे में खूब सुना है भर भर के रोमांटिक टाइम पीरियड वाले है ना वही जो लेक पॉइट एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सव इनको कौन नहीं जानता टेनिसन को कौन नहीं जानता और ये दोनों आपके एग्जाम में ये वाले तो आए थे जॉन मैसफील्ड सेसिल डे लेविस जॉन बेन्समिन देखिए सेसिल डे लेविस के बारे में सुना होगा है ना टेड ह्यूक के बारे में भी आपने सुना होगा एंड्रयू मोशन के बारे में कम सुना होगा कैरल एंड डफी के बारे में सुना होगा और इस समय है आपके साइमन आर्मिटेज मिलना हो तो बताइएगा मिलवा लाऊंगा आपको साइमन आर्मिटेज से है कोई जो चलेगा मेरे साथ हाँ चलिएगा जरूर मेरे साथ तो देखिए ये आपके पूरे पोएट लॉरिएट हैं जो ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट थे आप चेक कर सकते हैं काफी अच्छे पोएट लॉरिएट्स थे इनसे मुलाकात में आपकी करवा सकता हूं अगर आप चाहें तो बताइएगा चलेंगे एक दिन मुलाकात करके आएंगे बोलेंगे और भाई साहब ठीक है डूइंग वेल है ना स्माइल के साथ नेक्स्ट वन फिलिप सिडनीज आर्केडिया वॉज इंफ्लुएंस्ड बाय द स्पेनिश रोमांस, द इथान पेंटिंग्स ऑफ वेरोनीज़ और द लिज इन द मेटाफिजिकल पोइट्री आंसर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट ओके okay. चले वाह wow. आंसर तो आ ही गया होगा मैंने थोड़ा लेट कर दिया राइट right आंसर है गाइस इसके लिए स्पैनिश रोमांस ऑफ मॉन्टमेयर द स्पैनिश रोमांस ऑफ मॉन्टेमेयर ठीक है यस अपीय इन स्पेन इन द ईयर 1859 एंड 1560 इस टाइम पीरियड में ठीक है ग्रेट ये वाला आज हमारे प्लस वाले कैंडिडेट्स नहीं आए क्या जो जो प्लस में नहीं आया होगा मैं उसको माइनस कर दूंगा है ना आज मैं 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 धमका रहा उन प्लस वालों से मिलूंगा मैं उन्हें माइनस करूंगा फिर बताऊंगा फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स अच्छा इनमें से देखिए ये देखना है कि कौन बुक्स का एक करेक्ट सीक्वेंस क्या है एक्चुअली वर्क एसोसिएटेड विद वी एस नायपॉल है ना विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल तो नायपॉल से ये क्वेश्चन है जल्दी से आंसर कर ले फटाफट वी एस नायपॉल विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है ना ग्रेट देखिए इसके लिए आंसर कीजिएगा अगर आपने कर लिया है तो ठीक है नहीं किया तो आइए देखते हैं उाइल सी इज द राइट आंसर क्यों क्योंकि हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास सिक्सटी वन एरिया ऑफ डार्कनेस है ना एरिया ऑफ डार्कनेस सिक्स इंडिया अवंटेड सिविलाइजेशन इट वॉज केम इन दर नाइनटीन सेवनटी सेवन इंडिया अमिलियन म्यूटनीज नाइनटीन नाइनटी ये कई जो वर्क है ना एरिया ऑफ डार्कनेस ये आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ चुका है ठीक है जो लोग कह देते हैं ना कि सर पी वाई क्यूद से क्या होता है पी वाई क्यूद से ये होता है समझिए ये. ये आपके एग्जाम में आया है एग्जाम में कैसे आया था क्योंकि एरिया ऑफ डार्कनेस के रिस्पॉन्स में नसीम इजिकल, नाम सुना है ना इंडियन पोएट नसीम इजकिल ने एक वर्क लिखा था उन्होंने लिखा था वर्क नैपोल्स इंडिया एंड माइन नैपोल्स इंडिया एंड माइन ओके पोल्स इंडिया एंड माइंड यह वर्क लिखा था ठीक ये वर्क आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ठीक है यस या सो नेक्स्ट वन देखिए कैनेडियन मल्टी कल्चरलिज्म एक्ट ये तो एलियन है कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट वाज पास इन द ईयर 88, 68 और 78 और 1988 दो बार 1988 है क्या तो दो बार 98 है तो एक बार को क्या कर लिया जाए कुछ आगे पीछे कर ले कर लीजिए किसी को एक को 89 कर लीजिए ना इसी को 89 कर देते हैं मजा नहीं आएगा एक ऑप्शन को 89 करना ही पड़ेगा मैं तो पहले सोच रहा था कि ऊपर वाले को करें यस ग्रेट देखिए इसका राइट आंसर जो आने वाला है आपके लिए वो 1988 ही आने वाला है 1988 के टाइम पीरियड में ठीक है यस मल्टी द कैनेडियन मल्टी कल्चरलिज्म लॉ नाइनटीन एटी एट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट मल्टी कल्चरलिज्म पॉलिसी विश्व की पहली कंट्री है जो मल्टी कल्चरलिज्म पॉलिसी को प्रमोट करती है एंड इवन एक्सेप्ट भी करती है अब आप समझ सकते हो कि क्या है बहुत ही अच्छी बात है भाई है ना यस yes. ये तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे जीएस वाला क्वेश्चन हो कोई ठीक है लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकेंड यहां पर देखिए कुछ पोइट्री की लाइंस हैं और यहां पर पोएट्स के नेम हैं तो प्लीज आप बहुत ही फेमस पोएम्स है बहुत फेमस पोएम्स है तो आप फटाफट अब आप आंसर कीजिए बाकी तो मैं आपसे मिलने के लिए रेडी ही हूं अरे कोई मेरा भी हाल चाल पूछ लीजिए कि मैं कैसा हूं है ना सब लोग अपने अपने आप में पूछ रहे हैं कैसी हैं पूजा जी और अच्छा हाय पूजा जी अरे कोई इधर भी बोल दीजिए हेलो है ना सब एक दूसरे का हाल चल रहा है भाई हाल कैसा है जनाब का सी, राइट आंसर देखिए चेक कर लेते देखिए राइट आंसर के लिए यहां पर मुझे अगर कोई मुझसे कहे कि आप कैसे सॉल्व करोगे इसे तो मैं इसे सॉल्व करूंगा लाइक ओल्ड बेगर है ना तो ये जो लाइन है ये डबल विलफ्रेड ओवेन भैया ने लिखी थी तो हमने सी को फर्स्ट से मैच किया सी को फर्स्ट से मैच करने पर दो ऑप्शन आ जाते हैं देखिए ये स्मार्ट टेक्निक है है ना ये फ्रंट में है ना सामने तो देखिए सामने से पता चल जाता है करेक्ट ना बेंट डबल लाइक ओल्ड बेगर अंडर सैक्स तो देखिए विलफ्रेड ऑबेन और ये अब दो ऑप्शन है फिफ्टी फिफ्टी आप ले सकते हो लेकिन अभी ठीक है ंग टूरिंग ऑफ मोनुमेंट सरेंडर आई सॉ बेस्ट माइंड ऑफ माई जनरेशन है ना अब हमें क्या समझने की जरूरत है कि दूसरा वाला ऑप्शन देखे देखिए द ऑफुलरिंग ऑफ मोमेंट्स सरेंडर ये एक्चुअली में जो लाइन है ना तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं पर क्यों लगता है ऐसा लगता है कि टी एस एलियट के साथ एसोसिएटेड है पता नहीं क्यों लगता, लगता है पर लगता है है ना आप कहेंगे ऐसे कैसे आइए मैं इसके लिए दिखाता हूं आगे आइए देखिए प्लेज अलोंग द बार एलिंग टू देयर एवरेज डे सितंबर नाम की गई जो एक पोयम है सितंबर वन 1939 थर्टी नाइन डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा है ये वाली पोयम ठीक है द ऑफुल डेयरिंग ऑफ मोनूमेंट ये टी एस एलियट के वेस्टलैंड में है बेंट डबल विलफ्रेड ओवन बेस्ट माइंड ऑफ माई जनरेशन हाउल हाउल नाम की एक पोएम लिखा एल एन जिन्सबर्ग एल एन जिन्सबर्ग का नाम सुने अरे वाह आप तो ठीक हैं सर मिलते रहते हैं हाँ सर आप तो ठीक ही होंगे क्योंकि आपसे हम मिलते रहते हैं अच्छा सर एक दूसरे को नहीं देख पाते ना तो पूछ लेते हैं ओ ये वाली बात है दुख मैं जल्दी ही आपके लिए व्यवस्था करवाने वाला हूं कि सरकार आपके लिए और अन अकेडमी आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था कराए जिसमें सबके चेहरे नजर आ रहे हो है ना मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हो उस स्क्रीन में सबका मुंह नजर आ रहा हो है ना कौन खाते हुए पढ़ रहा है कौन इधर उधर घूमते हुए पढ़ रहा है कौन अपनी टेरेस पर खड़ा है कौन छत पे गया है ना किसने किताबें खोल रखी हैं किसने कौन सोते पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा करके सो गए ये सब मुझे देखना होगा तो मैं जल्दी से व्यवस्था करवाने वाला हूँ सामने की स्क्रीन हो ऑल द क्यूटी लविंग चाइल्ड उसमें हो छोटे छोटे फेसेस हो है ना और फिर मैं यहां से बोलूँ ये सुनो पहले पढ़ाई कर लो बाद में सो लेना चलिए ठीक है मैं कोशिश करता हूं जल्दी से आपके लिए विच अमंग इज एप्रोप्रिएट अबाउट नगूगी व्योंगी वैसे एनटीए जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है नगुगी थियोंगी के पीछे ठीक है लिटरेचर इन द स्कूल्स रहने दें ठीक है रहने देते हैं हम नहीं व्यवस्था करेंगे भाई जब आपका मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे अरेंजमेंट क्यों परेशान है आप डोंट वरी ंग दोप्रियट देखिए इसमें इसमें से इतने सारे ऑप्शन है ऑप्शन देने के बाद देखने के बाद लगता है कि यार पढ़े कि ना पढ़े ना। लेकिन पढ़ना चाहिए अगर आप एग्जाम में है तो पढ़ लेना चाहिए वैसे यहाँ पर तो आप एबीसीडी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो राइट आंसर है इसके लिए ए सी एंड डी है ना द आर्टिकल डिस्कस द रिलेवेंस एंड एडिक्वेशन सिस्टम एक नगूगी व्योंगी ने एक आर्टिकल लिखा था लिटरेचर इन स्कूल्स कि जो लिटरेचर है वो स्कूल में कैसा हो तो इन्होंने ये बताया था कि विच काइंड ऑफ लिटरेचर शुड बी देयर इन स्कूल्स देन एक और सजेशन दिया था इन्होंने कौन सा वाला वो सजेशन था बेसिकली या सजेशन था इट रिफ्लेक्ट ये जी मत मानिए इसे सी कर लीजिए इट रिफ्लेक्ट निगेटिविटी अपॉन द लिटरेचर टॉट टू द केनियन स्टूडेंट्स इन नेशनल स्कूल न्या में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो अप्रोप्रिएट लिटरेचर नहीं है इसके लिए इन्होंने गाइस नेगेटिव अपने जो ओपिनियन है पुट किए हैं एंड देन इट आग्यूज दैट कल्चरल इंपीरियलिज्म डिस्टॉर्ट्स पीपल्स विजन ऑफ हिस्ट्री क्यों क्योंकि कल्चरल इंपीरियलिज्म है मीन्स कल्चर का जो इंपोजिशन था वो लोगों के दिमाग को कुछ बहुत कुछ चेंज कर रहा है और बहुत कुछ उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है गाइस है ना यस yes. आ, जूम कॉलिंग पे जूम कॉलिंग कई बार कर चुका हूं उसमें इतनी आवाजें आती हैं कि सबसे ये कहना पड़ता है प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए ये सबसे बड़ा दुख होता है जूम कॉलिंग या फिर गूगल मीट पे प्लीज अपना आप माइक बंद कर लीजिए उनमें से कोई माइक माइक नहीं बंद करता कोई चिल्ला रहा होता है ए सुनो जरा चाय ले आना इधर मेरे साथ जूम मीटिंग में जुड़ा उधर वो चाय भी मंगा रहा होता है ना उसमें से कुछ पीछे से भाई अगर अरे क्या कर रही हो लाइक दिस मैं फेस कर चुका हूं खैर अच्छा है वो बंग द फॉलोइंग अटैच हिमसेल्फ टू द अर्ल ऑफ नोटिंग है ना थिएटिकल कंपनी किसने अपने आप को अटैच किया था वो थे शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो पील और बेन जॉनसन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपके एनटीए ने दैट वाज गिवन बाय इनकरेक्ट आंसर अब आप पूछ सकते हैं सर कौन सा आंसर दिया था वो इनकरेक्ट था एक्चुअली आंसर वॉज गिवन बाई एन टी एंड दैट वॉज मार्लोव एनटीए ने आपका ये वाला आंसर दिया था ठीक है बट एक्चुअली गाइस ये मार्लोव है नहीं करेक्ट uh. ये है नहीं एक्चुअली में सो so, ये फिर कौन है एक्चुअली गाइस राइट आंसर इसका होना चाहिए शेक्सपियर भैया होना चाहिए है ना विलियम शेक्सपियर देखिए इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं हिस्ट्री जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा आंसर इज विलियम शेक्सपियर ठीक है हाँ देखिए थोड़ा सा देखें ग्रेट द कंपनी नोन एज लॉर्ड हॉवर्ड्स मैन वॉज फॉर्मड इन द ईयर फिफ्टीन सिक्स लॉर्ड हॉवर्ड मैन के नाम से जाने जाते थे और 1576 में कंपनी फॉर्म हुई थी बाई चार्ल्स हॉवर्ड कौन थे इसके पैटर्न चार्ल्स हॉवर्ड नाम के इंसान थे फर्स्ट अर्ल ऑफ नोटिंगहम ये फर्स्ट अर्ल भी थे नोटिंगह के एंड सेकेंड बैरन हॉवर्ड ऑफ इफिकम और सेकेंड बैरन थे इफीगैम के ठीक है इसके बाद आफ्टर ही बिकम लॉर्ड हाई एडमिरल ये सब पोस्ट है ना ये मत कहिएगा सर ये सब क्या है लॉर्ड ऑफ अर्ल ऑफ लॉर्ड ऑफ बैरन ऑफ सो ये पोजीशन है है ना हिज कंपनी वाज नोन एज तो जब ये एडमिरल बन गए 1585 में तो इनकी कंपनी का नाम पड़ गया एडमिरल्स मैन पहले क्या नाम था इनकी कंपनी का हॉर्वर्ड्स मैन था लॉर्ड हॉवर्ड्समैन है ना अब इनका पड़ गया एडमिरल्स मैन एंड देन लेटर ऑन शेक्सपियर की परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आई इन्हें रिचार्ड थर्ड की बोले वाह वाह क्या बात है गजब की परफॉर्मेंस है सो गाइस शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड द कंपनी वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1594 विद फिलिप हेनसेलोप्स मैनेजर एंड एडवर्ड एलन एज देयर प्रिंसिपल एक्टर एडवर्ड एलन एक एक्टर एक थे रेनेशा एक्टर एडवर्ड एलन तो ये देखिए इनके साथ एसोसिएटेड है क्वेश्चन का आंसर जो दिया था आपके एनटीए ने कहा था क्या मार्लो तो गलत हो गया आंसर है ना या ग्रेट नेक्स्ट वन देखिए ये वाला क्वेश्चन वो वाला है दैट किल्स मी एंड यू टू इसे बोलते हैं किलर क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा एसरसन एंड रीजन है थोड़ा सा मैं पानी पी लू तब तक आंसर हो जाए देखिए आंसर है इस क्वेश्चन का कौन सा वाला बोथ ए एन आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अच्छा देखिए जब एग्जाम में होते हैं तो इसकी बात बताऊं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कहते हैं यार दोनों को पढ़ लो इन सो फॉर एज वी आर टॉट हाउ टू रीड वॉट वी इंगेज आर नॉट टेक्स्ट बट पैराटिक्स वी एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम टेक्सट अकॉर्डिंग टू वॉट वी नीड और डिजायर और इन अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल ऑफ द प्री डिस्पोजिशन दैट वी ब्रिंग इट देखिए इन सो फार एज वी आर टॉट हाउ टू रीड वॉट वी इंगेज आर नॉट टेक्स बट पैराडिम्स देखिये जैसे हमें पढ़ाया जाता कि पढ़ते कैसे हैं तो हम पैराडिम्स के अकॉर्डिंग समझते हैं देन दूसरी बात यह है वी अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वट वी नीड टू डिजायर देखिए हम एक टेक्स्ट से वो मीनिंग ले लेते हैं जो हमारी इच्छा कर जाती है तो ये, हम लोग समझ लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं हाँ बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है एग्जाम में जब होते हैं तो लग करता कौन सा वाला सिलेक्ट करें दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला नहीं देखिए इसको कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जब इधर आते हैं तो प्रॉब्लम आती है तो एक काम कीजिएगा इसे टू थ्री टाइम्स पढ़िएगा है ना टूज ट्राईज और ज्यादा मन करे तो और एक बार ग्रेट नेक्स्ट वन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमिताभ घोषिस एबीस ट्रिलॉजी हमेशा मैं कहता हूं ट्रिलॉजी से एक क्वेश्चन आएगा है ना अब चाहे आप उल्टा चोर कोतवाल की डांटे की तरह ऐसे टाइप खड़े हो जाइए है ना ये किसी का पिक्चर है मेरे क्लास के किसी स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा मैं उसके किसका है है ना चाहे आप ऐसे खड़े हो जाओ बट डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आने वाला हा ये इधर मुंह कर दें क्या नहीं ज्यादा ही उल्टा हो जाएगा इसकी आंखें नीचे होनी चाहिए मुंह ऊपर होना चाहिए है ना सो डेफिनेटली यही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला सर मैंने भी ऐसे क्वेश्चन पे फंसती हूँ दोनों ही राइट लगते हैं उसे दो तीन बार और पढ़िएगा प्लीज ठीक है या अब ये किसी का फेस है चाहे जो भी समझ लीजिए बट ये इबिस्ट्रोलॉजी क्या है <coughs> चलिए आइए फटाफट एवी स्ट्रिलॉजी को समझते हैं ईबी स्ट्रिलॉजी अरे कहां गई भी सब ईबी स्ट्रिलॉजी जल्दी से आ जाओ तुम कहां हो ये गाइस देखिए जो ईबी स्ट्रिलॉजी है अमिताभ घोष की सो दीज आर द वर्क सी ऑफ पॉपीज रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर 2008 2011 2015 है ना यस yes. तो कैलकटा क्रोमोसोम दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एबिस ट्रिलॉजी देखिए पिछली बार आपकी कोई ट्रिलॉजी आएगी फिर अगली बार कोई ट्रिलॉजी आएगी एक ट्रिलॉजी जरूर आएगी है ना तो अभी आपके पास काफी सारा टाइम है दैट्स आई मेक अ फाइन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रिलॉजीज करेक्ट ना हंड्रेड परसेंट श्योर है नेक्स्ट वन देखिए वेन वॉज हारुकी मुराकमी हारुकी मुराकमीज मेन विदाउट विमेन पब्लिस्ड देखिए कितना आप देख रहे हैं ना कि आपके 2001 से लेकर के 2019 तक का डेटा है एनटीए के पास इतना कंटेप्रेरी रिसेंट अभी 2020 तक का कहिए डेटा ड्रॉप कर दें आंसर कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कर डालिए फटाफट देखिए इसका आंसर आएगा आपका 2017 है ना 2017 मेन विदाउट ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब मेन विदाउटन है ना यस yes. ये तो इम्पॉसिबल हो जाता मेन विदाउट विमेन इट वॉज केम इन दर अरे ऐसा कैसे हो सकता है टू थाउजेंड नाइनटीन सेवनटीन इज द सेकेंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1927 अच्छा एक मिनट के लिए ठीक है मैं समझ गया ये प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में ये गाइस देखिए मेन विदाउट वेमेन ये तो इनका एक वर्क है नॉवल का पार्ट है जो हारुकी मुराकमी का है ये नोवेल है ठीक है और ये जो आप देख रहे हैं 1927 मेन विदाउट वेमेन ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसको हेमिंग ने लिखा था ठीक है अब बताइए इतना सारा कंफ्यूजन कैसे हो पाएगा मैं ही कंफ्यूज हो गया मुझे लगा 1927 कैसे हो गया बट इट देखिए मैंने आपको सिमिलर वर्क दिखाए ना है ना यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सिमिलर वर्क आर देयर सिमिलरिटी मिलती है देखिए सेम टाइटल है मैन विदाउट वुमेन मेन विदाउट वुमेन बताइए डिफरेंस क्या है क्या करें एनटीए वाले बच्चे NTA वाले बच्चे बी लाइक कुछ दे दो एक दिन में पढ़ के दिखा देंगे. कलेक्शन ऑफ पोएम्स आर नॉट रिटर्न बाई मीना एलेक्सेंडर ओ मीना एलेक्सेंडर के इतने सारे कलेक्शन है कौन सा कलेक्शन बताऊ रिवर एंड ब्राइड आर्टिकुलेट साइलेंस स्टोन रूट टू चेंज हाँ, सर मेरे एग्जाम में मॉडर्न राइटर ज्यादा पूछे हैं क्या सर नेट एग्जाम में हाँ पूछते ही हैं ऐसी कोई बात नहीं है पूछे नहीं है पूछते ही हैं सर पीजीटी की क्लास किस टाइम लेते हैं आप कुमारी बबीता लेते रहते हैं सर योर टीचिंग मेथड इज सो गुड आई गॉट इट वेरी वेल क्या बात है प्रकाश इतनी तारीफ मन तो करता है एक छोटा सा डांस हो जाए बट नो no. क्लास है ना क्लास में डांस नहीं देखिए एक तो आपको नजर आ रहा होगा टाइम टू चेंज एटलीस्ट आपको पता होगा है ना ये टू चेंज करके जो है एक्चुअली गाइज है ना टाइम टू चेंज तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू चेंज किसी और का है किसका किसी और का है अरे टाइम टू चेंज भाई ये तो इजकिल का है ना मुझे ऐसा लगता है टाइम टू चेंज गाइज इजकिल का वर्क है ठीक है ये देखिए जो आर्टिकुलेट साइलेंसेस है तो ये जो पोएम्स का कलेक्शन है बाई शिव कुमार अ टाइम टू चेंज दिस इज बाई इज ठीक है ग्रेट और मीना एलेक्सेंडर को भी देख लीजिए मीना एलेक्सेंडर स्टोन रूट्स हाउस ऑफ अ थाउजेंड डोर्स रिवर एंड ब्रिज इलिटरेट हर्ट एम्ब्रॉयडरी इन प्रेज ऑफ फ्रेगमेंट चक्कर आ जाएगा भाई साहब है ना चक्कर आ जाएगा डेफिनेटली इतने सारे पोइट्रिक कलेक्शन अभी तो मैंने कुछ ही लिए हैं अभी तो कुछ बाकी है ना कुछ मैंने ले लिए हैं और कुछ बाकी हैं तो क्या होगा समझ पा रहे हैं बात को मेरी डेफिनेटली कुछ मैंने ले लिए और कुछ बाकी हैं बताइए इतने सारे पोइटिक कलेक्शन है मीना अलेक्जेंडर के खैर आपके काम आएंगे लाइफ टाइम मेरा वीडियो स्टक हो रहा है क्या रुक रहा है क्या बीच बीच में वैसे रुकना नहीं चाहिए ना, ना बट स्टिल मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि मेरा वीडियो रुक रहा है रिफ्रेश करते हैं चेक करते हैं अच्छा रुकुक तो नहीं रहा है फिलहाल में सही चल रहा है नेक्स्ट वन हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स एप्रोप्रिएट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय कार्ल मार्क्स दे कैन नॉट रिप्रेजेंट दमसेल्स दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड रुत वैनिता कमल बाशिन और फ्लैरिया एनीस चंद्रा तलपड़े मोहंती ऑल क्लियर है ना चलिए ऑल क्लियर तो ऑल क्लियर देखिए ये गाइस जो स्टेटमेंट है एसोसिएटेड विथ चंद्रा तलपड़े मोहंती है ना दे कैन नॉट रिप्रेजेंट दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड मतलब वो अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और उनको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए मार्क्सिस सो गाइस जो आपकी मार्क्सिस्ट थियरी है वहां से हु इन इन द आर्टिकल फ्लैशली स्कूल ऑफ poetry अटैक्ट द प्री रेफलाइट स्पेशली डीजी रोसिटी कौन था ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपके कहां से है ये तो पूछना पड़ेगा एनटीए वालों से चलते हैं एक दिन मुलाकात कराते हैं किसने कहा है सर इतना क्यों पूछता है जुनैरा एक काम करते हैं जुनैरा चलते हैं दोनों लोग पूछ के आते हैं वाई यू आर आस्किंग्स सो मच क्वेश्चन तीन चार से पूछ लो भाई काम चला लो हमारा भी है ना द राइट वन आंसर इज रॉबर्ट बचन है ना यह आंसर है रॉबर्ट बचन बहुत ईजी है क्वेश्चन इज फ्रॉम प्री रेफलाइट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्री रेफलाइट है ना प्री रेफलाइट से यह क्वेश्चन है ठीक है ग्रेट प्री इट से ये क्वेश्चन होगा आपका और ये जो पोइटिक ग्रुप है सो so एटीन में फॉर्म हुआ था है ना 1848 में ये प्री रेफलाइट ग्रुप जो है फॉर्म हुआ था और डीजी जी विलियम विलियम होलमेनहंट क्रिस्टीना रोसेटी है ना एसी स्वीनबर्न जॉन एवरेट मिलियास द प्रोमिनेंट फिगर एक पीरियोडिकल uh, था जिनके साथ एसोसिएटेड जिसका नाम था जर्म दी जर्म नाम का पीरियोडिकल था जो एसोसिएटेड था एंड रॉबर्ट बचनन रॉबर्ट इन्हें क्रिटिसाइज किया था बोला था प्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री और इसी नाम का एक इन्होंने क्या लिखा था एक आर्टिकल लिखा था आर्टिकल लिख के क्रिटिसाइज किया था ठीक है वाओ सुपर वंडरफुल बच्चा पार्टी अपनी समझ गई है बहुत समझदार पार्टी है अपनी तो भाई नेक्स्ट वन देखिए ऑथर ऑफ द एसे थ्री वेमेन्स टेक्स एंड क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म दो घंटे की क्लास होने वाली है ठीक है हाँ दो घंटे की क्लास चलेगी कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक द थ्री वेमेन्स टेक्सट एंड क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म आनिया लौम्बा मीनाक्षी मुखर्जी सुशान मेयर गायत्री चक्रवर्ती स्पीबैक देखिए आपको गणित लगानी होती है है ना? अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया, चेकआउट कीजिए मैंने टेलीग्राम पे भेजा है है ना? आप लोग गलत बात मत किया किया, करो, टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन सो कैसे नोटिफिकेशन आएगा हु इज द ऑथर ऑफ द एसे थ्री विमेन्स टेक्स्ट एंड क्रिटिक ऑफ आता है आपका गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक है ना गायत्री चक्रवर्ती स्पीबैक तो वैसे गायत्री चक्रवर्ती इस अच्छी राइटर थी बहुत कुछ लिखा इन्होंने है ना यस yes, डेफिनेटली बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ लिख करके खुश भी होती हैं ये ये क्वेश्चन आ गया जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है देखिए जैक्स लाका वॉज रेडिकली क्रिटिकल ऑफ द इिस्टियम साइको एनालिटिकल थियोरी लाका वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम दी इंटरनेशनल in एसोसिएशन देखिए जिंदगी में कुछ बनना है अगर आगे जाना है तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो थोड़ा दमदार हो है जैसे कोई ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा है ना कोई ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल्ड करेगा कोई अपनी डिग्री नहीं पूरी करेगा कोई सिर्फ ग्रामर स्कूल में पढ़ेगा है ना जिंदगी में कुछ बनना है तो कुछ इस तरह का काम कीजिए नेक्स्ट वन सॉरी गाइज आंसर देखिए दोनों सही है क्यों क्योंकि इन्हें किकड ऑफ किया गया था लाका को एंड जैक्स लाका वॉज रेडिकली क्रिटिकल ऑफ एसिस्टियम साइको एनालिटिकल इसके अगेंस्ट थे ये तो जब कोई अगेंस्ट होगा तो लोग क्या कहते हैं अरे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको भगा दो पहले एक काम करो इसको पहले खिसकाओ है ना क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये बाद में आएगा फिर से कुछ ना कुछ करेगा सी अंडर द नेट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है अंडर द नेट जॉन फाउल्स आरिस मुंड्रो एडमंडलियम कूपर किसने लिखा होगा अंडर द नेट आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से बहुत ही अच्छे तरीके से अंडर द नेट इज रिटर्न बाई जॉन फाउल्स आरिस मुंड्रो एडमंड गूज विलियम कूपर देखिए इसके लिए जो राइट आंसर आपको मिलने वाला है वो कौन सा है आयरिश मुंड्रो है ना आयरिश मुंड्रोज अंडर द नेट ये कब आया था 1954 में द नॉवल केम इन द ईयर 1954 and एंड दिस the द वेरी फर्स्ट novel that दैट इज सेट इन and एंड इट इज story स्टोरी ऑफ स्ट्रगलिंग यंग राइटर जैक है ना यस yes. और पिकरेस्क नॉवल का पार्ट है क्योंकि यहां पर भटकता हुआ आदमी कोई नजर आता है तो बस समझ लीजिए है ना स्ट्रगलिंग यंग राइटर जैक डॉन ह्यू सो ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड ही वॉज वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर वन प्लेस करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है गाइज है ना यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रैक्टीरियन मूवमेंट

ओके okay. देखिए इसका जो राइट आंसर आता है तो राइट आंसर ये आता है बी सी एंड डी द अदर लीडर ऑफ द मूवमेंट और पॉल न्यूमैन एंड आर एच फ्रॉन ये पॉल न्यूमैन नहीं थे है ना यस सो ये वाला सॉरी इट वॉज वाइड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ये पॉल न्यूमैन थे तो हेनरी पॉल न्यूमैन ये वाला नहीं था इट वॉज वाइड स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड ये पूरी दुनिया में नहीं था इंग्लैंड तक है ना बस बाकी ये जो बी सी डी है तो ये आपके सही है और लास्ट वाला द आइडियल ऑफ द क्रिश्चियन चर्च वॉज प्रेस्ड बाई ऑक्सफोर्ड कॉन्वोकेशन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसके लिए कहा जाए एक्चुअली गई जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था इसी को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है ना और ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था लेकिन अब नॉर्मल हो गया कैसे क्योंकि यहां पर ड्रॉप कर दिया ट्रैक्टेरियन मूवमेंट ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीए टी ए में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एक क्वेश्चन आया था जैसे प्यूरिटन प्यूरिटन है ना यस yes. को लेकर के क्वेश्चन आया था तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि इस एज को और भी क्या कहा जाता है जैसे प्यूरिटन एज को एज कैरोलिन टाइम पीरियड भी बोला जाता है कैरोलिन टाइम पीरियड बोला जाता है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं देखिए ये थे आपके जॉन हेनरी न्यूमैन जॉन खेबल एंड एडवर्ड पुसिकाइज ठीक है यस ग्रेट किम्बर्ले क्रेनसाज टर्म इंटरसेक्सनैलिटी इज वाइडली यूज फॉर एकेडमिक डिटेरियोटेरेशन और रेसियल जस्टिस पीस फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ड्राइडन एज भी एज ऑफ ड्राइडन देखिए ऐसे नहीं पूछे जाते रानी वो पूछे जाते जैसे एक एज के डबल नाम है जैसे जैसे एक एज के दो चार नाम है जैसे एज ऑफ ड्राइडन यह नॉर्मल है कि समझ लेंगे अब जैसे ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है और यह ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है उसी को कहा गया ठीक जैसे थर्टीज पोएट है इस तरह के क्वेश्चन बन जाते राइट right आंसर द राइट वन आंसर इसके लिए गाइस कौन सा है बी डी एंड ई रेसियल जस्टिस कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स गाइज जो वाइडली स्प्रेड यूज किए जाते हैं बेसिकली इस इंटरसेक्शनलिटी का क्या मतलब है इंटरसेक्शनलिटी मींस अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द पर्सन सेक्स और रेस किसी भी इंसान का अगर कोई सेक्स अलग है सेक्स से यहां पर मतलब होता है कि वो मेल और फीमेल है ना मेल और फीमेल बेस्ड अगर आप, अगर आप किसी टाइप का क्या करते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं या फिर गेज रेस रेस तो बेसिकली आप समझते हैं ना कि रेस कोई निग्रो है तो कोई इंडियन है तो कोई ब्रिटिश है है ना रेसेस तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है या अनफेयर ट्रीटमेंट करता है इंटरसेक्शनलिटी जो ये टर्म है बेसिकली ये इसे क्वाइम किसने किया था सो किम्बरली विलियम्स क्वेनशा इन्होंने ही इस टर्म को क्वाइम किया था ही रोट अ वर्क द नेम ऑफ द वर्क इज ऑन इंटरसेक्शनलिटी इसेंशियल राइटिंग यस इसेन्शियल राइटिंग्स ऑन या ठीक है, इन्हीं ने इस टर्म को क्वाइन किया था नाउ यू मस्ट यस या देखिए एथनिसिटी पर कोई अगर कपड़े अलग पहनता है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिमिनेशन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी डिसेबिलिटी, क्लास है ना आप किसी को डिसेबिलिटी को लेकर के उसके साथ आप अच्छा ट्रीट नहीं, नहीं कर रहे हो ना आपको लगा कि ये इसका जो है फिजिकली ये कमजोर है गड़बड़ है उसको लेकर के यस ओके मास्टर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया ये तो नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म कॉन्ट्रापंकल पंक्टल रीडिंग मिख्याल भक्तिन और एडवर्ड सईद और रोलाय बार्थ और जैक्स डेरिडा ये तो मतलब समझ लीजिए कि बड़े फेमस फेमस क्रिटिक्स हैं बहुत ही सुपर क्रिटिक्स है ना ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इनके नेम हमें देखने को मिलेंगे मिखाइल बक्तिन एडवर्ड सईद रोलाइन बार्थ और जैक्स डेरिडा ज्यादातर टाइम में हम लोग देखते हैं आंसर करें चलिए आंसर देखते हैं हम लोग इसका द राइट वन आंसर इज एडवर्ड सईद देखिए इनके बिना अगर ये एग्जाम में ना आए तो आपका एग्जाम अधूरा है ये मानिए एन के एग्जाम में ज्यादातर ये आते हैं वन क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट श्योरिटी कॉन्ट्रापंक्चुअल एनालिसिस डेवलप्ड बाय एडवर्ड सईद इज यूज्ड इन इंटरस्पेक्टिंग कोलोनियल टेक्स्ट कंसीडरिंग पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द कॉलोनाइजर एंड द कोलोनाइज The term was used by Edward Said in Culture and Imperialism, 1993. देखिए या तो मैचिंग आ जाएगी इसको इससे मैच कर दीजिए या कोई टर्म आ जाएगा सो कॉन्ट्रा पंक्टल एनालिसिस टर्म यूज किया है कि इस टाइप का एनालिसिस होना चाहिए एसोसिएटेड विद सईद एडवर्ड सईद पोस्ट कोलोनियल स्टडी पोस्ट कोलोनियल जो लिटरेरी थियरी है उसी से विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन देखिए ये वाला तो एग्जाम में ना आए मतलब ये समझिए ये वाला एग्जाम में घर ना आए तो आपका काम अधूरा रह गया सो जॉन ऑसबोन किंग्सले एमिस सीमस हीनी और फिलिप लार्किन ऑस्बोन किंग्सले एमिस हीनी फिलिप लार्किन सो so,

है ना उस वेस्कर कॉलिन एंड फिलिप लार्किन देखिए फिलिप लार्किन को ये लास्ट में जो है यहाँ पर दे देते दे लेकिन वैसे इनका कोई इंटर एग्जैक्टली कनेक्शन नहीं है ठीक है अगर आप कहें कि मतलब फिलिप लार्किन का कोई एग्जैक्टली exactly कनेक्शन है क्या ऐसा मैंने फिलिप लार्किन में ऐसी बहुत कोई राइटिंग खास नहीं देखी है आंसर तो ये वाला ही एन ने आपके माना है ठीक है लेकिन फिलिप लार्किन जो है कहीं कोई खास रिलेशन नहीं नजर आता मुझे आप लोग भी पढ़ते हैं और हम भी तो ये इतना सारा दे तो देते हैं देखिए इनमें से मेन जो आपके माने जाते हैं राइटर एंग्री यंग मैन मूवमेंट के साथ तो जैसे जॉन ऑसबोर्न को ले लेते हैं जॉन ऑसबॉर्न के बाद एलेन सिलिटो ले लीजिए जॉन वेन कर लीजिए है ना अर्नोल्ड वेस्कर चलेगा एंड uh, यहां पर है आपके लिए कौन? एडवर्ड बॉन्ड जॉन अर्डन एंड किंग्स लेमिस गाइज आपके मेन आपके राइटर्स है।, है ना बाकी लार्किन को भी इन्होंने शामिल किया है दैट्स रियली ग्रेट वंडरफुल ठीक है लेकिन एक काम कीजिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूं प्लीज आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए हाँ, हाँ, इसका इसलिए ले लीजिए कि आपकी एग्जाम में भी आगे भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा और अगर इससे नहीं आया सो मे बी की इनके वॉक्स जैसे किंग्सले एमिस का लकी जिम अभी पूछा था ना पीछे कैंपस नॉवेल लकी जिम तो देखिए ये जरूर आते रहते हैं ऑस्बॉन के वर्क भी आते रहते हैं आपके लिए ठीक है सो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट मार दीजिए फॉलोइंग थियरिस्ट आइडेंटिफाइज मेटोनोमी एंड मेटाफर तो देखिए यह वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एज टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सो शोर बार्थ जे एल आस्टिन और रोमन जैकोपन तो देखिए आपने एक थियरी पढ़ी होगी आई होप सो फॉर्मलिज्म अगर पढ़ा है तो ठीक है अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा सो so, ये क्वेश्चन आपका फॉर्मलिज्म से है डायरेक्टली क्वेश्चन है यहां पर सिर्फ ये पूछ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटोनमी एंड मेटाफर सो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटोनमी एंड मेटाफर वॉज गिवन बाई रोमन ऑप्शन है ना रोमन याक ऑप्शन गाइज ठीक है यस मेटोनमी एंड मेटाफर द कॉन्सेप्ट रोमन जैक आपको ये फॉर्मलिज्म में मिल जाएगा वंस मोर स्टेटमेंट एंड बोर हो रहे हैं क्या बोर मत होइएगा ठीक है देखिए पढ़ने के मामले में बिल्कुल भी बोर होना मतलब बहुत बेकार बात होती है कहिएगा जब आपको लगे ना आप बोर फील कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा मैं आपको एक जोक सुना दूंगा कोई ना कोई तो जोक सुनने के बाद आपको अच्छा फील होगा सो स्टेटमेंट कंपेरेटिव लिटरेचर इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर नेशन एंड जान एंड इट एक्सप्लोरशिप बिटवीन लिटरेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्लोरेशन यहां पर गई सो क्वेश्चन है कंपेरेटिव लिटरेचर को लेकर के ओके इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर द कल्चर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथडोलॉजी इज सेकेंडरी या सो so प्लीज अब यहां पर आपको बेस्ड ऑन द अब स्टेटमेंट आपको ड्रॉ करना है कि क्या सही है ठीक है देखिए राइट वन आंसर इसके लिए कौन सा है राइट वन आंसर है स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स क्यों फॉल्स है देखिए कंपैरेटिव लिटरेचर इज स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर नेश नेश एंड एंड एक्सप्लोर्स द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्लोरेशन करेक्ट स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर द इंपोर्टेंस ऑफ माइथडोलॉजी देखिए ये सेकेंड तो तो वाला इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर द इंपोर्टेंस ऑफ माथोलॉजी भाई देखिए आपको स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर करना है तो माथोडोलॉजी सेकेंडरी क्यों क्यों जरूरी है सेकेंडरी होना ऐसा नहीं है ठीक okay? है दैट्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है क्योंकि रिसर्च में आप मैथोलोजीज का यूज करेंगे ना आइडेंटिफाई द इज़ टर्म्ड कोस्टोरल ये मैंने बहुत बार बताया था बच्चों को कितनी बार मैं बताऊं आपको कि कितनी बार मैंने बताया होगा लिसिडस क्या पेस्टोरल है लग तो रहा है इन मेमरी ऑफ डब्ल्यू बी एड्स नहीं लग रहा है एडनिस लग रहा है क्या था लग रहा है क्या ये मतलब तीन तो एटलीस्ट मुझे लग रहे हैं लिसिडस, और आंसर हम लोग देखें जरा कौन सा आंसर है ए सी डी आंसर तो वैसे सही है लिसिडस एडनिस और था लेकिन आप लोग अभी इस समय सोच रहे होंगे कि सर ये ये वाली क्यों नहीं है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी या इन मेमोरियम देखिए इन मेमोरियम टेनिशन इन मेमोरी ऑफ डब्लू बी एड्स डब्ल्यू एच ऑर्डन ठीक हैलम के लिए और डब्ल्यू एच ऑर्डन ने डब्ल्यू बी एड्स के लिए ही लिखा था इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एड्स लिसिडस लिखा था कीट्स के लिए है ना नहीं 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 लिसिडस लिखा था एडवर्ड किंग के लिए दिमाग बिना मेरा राजवीर कुछ तो करो अपने दिमाग का करना पड़ेगा भाई एडवर्ड किंग राजवीर अपने दिमाग का कुछ करो एडवर्ड किंग मिल्टन ये मिल्टन की है ठीक है एडनिस ये शैली की पोयम है लिखा था कीट्स के लिए और थारिसिस थारसिस एक्चुअली में ये जो पोयम है So, ये लिखा था अर्नोल्ड ने मैथ्यू अर्नोल्ड ने और लिखा किसके लिए था तो ये लिखा था चेड ह्यूक के लिए चेड ह्यूक के लिए लिखा था ठीक है इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी अगर नहीं समझ में आई है तो समझ लीजिए तो अब एक चीज नहीं समझ में आ रही है सर और तो सब हमको समझ में आ गया लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आपने कहा है कि इन मेमोरियम और ये जो है पेस्टोरल नहीं है हां बिल्कुल सही है देखिए पेस्टोरल एलिजी वो होती है जिसमें आपको एक सेफर्ड मिलेगा कौन मिलेगा सेफर्ड एक सेफर्ड मिलेगा और एक सेफर्ड अपने फेलो सेफर्ड की डेथ पर एफ ई डबल एल ओ डब्ल्यू सेफर्ड की डेथ पर है ना क्या कर रहा होगा लेमेंट कर रहा होगा ठीक है और यहां पर ऐसा नहीं है इन मेमोरियम में कोई सेफर्ड नहीं मिलेगा डायरेक्टली लिखी है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एट्स में भी कोई सेफर्ड नहीं मिलेगा यहां पर एडनिस नाम का एक सेफर्ड मिलेगा यहां पर थारसिस नाम का सेफर्ड है यहां पर लीसिडस नाम का सेफर्ड है ठीक है इट मीन्स इसीलिए ये पेस्टोरल नहीं है ठीक और पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल सीनरी होगी सेफर्ड होगा तो इनको क्या कह सकते हैं आप इनको एलिजी कह सकते हो ठीक है एलिजी ये भी है और ये भी है एलिजी ठीक है मतलब बड़ा को इतना अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ता है कि पूछिए मत स्पेंसर्स एस्ट्रोफेल ये भी है मिल्टनस लिसिडस हो गई शैली की एडनिस हो गई एरनोल्ड की थारसिस हो गई स्कॉलर जिप्सी भी है कैलेंडर भी है ठीक है आज पता नहीं एक बात बताऊं मैं आपको आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते दो बार चक्कर आ गया आज तक लाइफ में कभी दो बार चक्कर आया भी नहीं आज पहली बार है मैं बता रहा हूं आपसे तो शेयर कर सकता हूं ना आप लोग तो मेरे लविंग क्यूटी चाइल्ड हो और सच में दो बार पढ़ाते पढ़ाते क्या बात है लाइट ज्यादा लग रही है क्या ये मैं भूखा हो गया हूं <laughs> वैसे भूख तो नहीं लगी मैंने खाया खूब सारा है फॉलोइ डे नोट दी फेजेस ऑफ लिटरेरी फैमोनिज्म एल एनशो वॉटर का ये भी मैंने बड़े अच्छे से बच्चों को समझाया था अरे कोई नहीं आप लोग पढ़िए डोंट वारी बच्चा पार्टी डोंट वारी डोंट वारी पढ़ो जिंदगी बहुत जरूरी है लाइफ बहुत जरूरी है आ जाइये फटाफट अरे कोई नहीं अरे आप लोग पढ़िए मैं आपसे बता क्या दिया आप लोग तो मुझे दौड़ाना शुरू कर देंगे है ना सर पढ़ो सर एक काम कर लो है ना आइए पढ़िए आप ओके आ जाइए जल्दी से देखिए नाउ गाइज वी हैव रियली अ वरफुल क्वेश्चन सो दिस इज द क्वेश्चन की शो वॉटर के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेजेस हैं थ्री फेजेस तो थ्री फेजेस हैं ए डी ई वाली ए डी और ई फैमनिन फैमनिस्ट फीमेल ये कैसे समझ में आएगा देखिए फैमनिन में एल शो वॉटर ने कहा था वेमेन राइट्स वुमेन राइटर इमिटेट मैन फेमनिस्ट कौन सी थी विमेन एडवोकेटेड माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेस्टेड एंड द फीमेल द फोकस इज नाउ ऑन वेमेन्स टेक्स्ट एज अपोज टू मेयरली अनकवरिंग मिसोगनी इन मेन्सेस टेक्स्ट दीज आर थ्री स्टेजेस ओके ये हैं तीन स्टेजेस समझ गए आप बात को एलेंसो वॉटर एंड दीज आर द्री स्टेजेसिनिस्ट फीमेल एल एसो वॉटर ने यह वाली थ्री स्टेजेस की बातचीत की थी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बहुत काम आएगा आपके लाइफ में बहुत काम आएगा प्लीज हु फॉलोविंग इज नॉट अ रेसिपियंट ऑफ नोबल प्राइज विंस्टर्न चर्चिल टी एस एलियर डब्ल्यू एच ऑड एंड मैडम क्यूरी क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे लग रहा है अरे पढ़ लीजिए कोई बात नहीं हल्का फुल्का कभी कभार हो जाता है है ना मैं थोड़ा सा दिल का वो थोड़ा सा कच्चा आदमी हूं ना फटाफट बता देता हूँ कोई भी बात तो आप लोग ये फटाफट आंसर कर दीजिए है ना चलिए आंसर कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आ जाइए जल्दी से ठीक है राइट वाला आंसर राइट right वाला आंसर ठीक है कौन सा वाला होगा देखिए ये जो क्वेश्चन आया था तो एन बेचारा परेशान था एन ने गलत सलत काम कर डाला अब क्या कहें हम है ना ये गलत क्वेश्चन है है ना क्यों क्योंकि देखिए विंस्टन चर्चिल 53 थ्री टी एस एलियट फोर्टी लेकिन डब्ल्यू एच ऑर्डन को सिर्फ रेकमेंड किया गया था कोई नोबल नहीं मिला और मैडम क्यूरी इन 1903 एंड 1911 क्या हुआ था गाइज टू टाइम्स दो बार इनको शामिल कर लिया गया था है ना? क्वेश्चन yes. क्या था नोबेल प्राइज yes. तो अगर बातचीत करें तो आप देख सकते हैं ठीक है रेस्ट हा रेस्ट करेंगे अभी आपसे मिलकर के रेस्ट होगा हमारा बिल्कुल फिर से एक देखिए ये स्टेटमेंट एंड रीजन बार्थ बेसिक टेक्स्ट, एक तो है रीडरली और राइटरली झूठ मत बोलिएगा बच्चों मैंने पढ़ाया था रीडर और रीडर राइटरली और रीडरली टेक्स्ट है ना रीडरली और राइटरली टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था अगर नहीं याद है तो याद कीजिए लैंग्वेज इज द विंडो थ्रू विच वन इज द वर्ड एंड द द लाइट ऑफ स्टेटमेंट है ना अब देखिए इन्होंने कहा कि दो टाइप की कैटेगरीज है एक रीडरली है एक राइटरली है दूसरा कह रहा है लैंग्वेज द द विंडो थ्रू वन वर्ड अब ये वाला जो देखिए पार्ट है ये यूनिट नंबर किससे है लैंग्वेज इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर यूनिट नंबर बोले तो सिक्स यूनिट नंबर सिक्स से है और ये वाला जो है यूनिट नंबर नाइन से क्वेश्चन है अब ये समझते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है देखिए ये देखिए ये कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज इन द विंडो विच थ्रू वन सीज इज द वर्ड खैर देखिए अब इसको इस क्वेश्चन को समझिए कि, कि किस तरह से ये डिस्क्राइब कर रहा है बातों को देखिए रीडरली टेक्स्ट का मतलब होता है कि रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटरली टेक्स्ट का मतलब होता है कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना तो जो लैंग्वेज हमारी होती है दोनों देखिए दो यूनिट्स के क्वेश्चन दो यूनिट्स के बेसिकली फॉर्मेशन है क्योंकि लैंग्वेज की स्टडी हम लोग वहां पर करते हैं तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स किया गया है ना दोनों को एंड द आंसर इज बेसिकली कि दोनों करेक्ट है टेक्स्ट द रीडर क्योंकि लैंग्वेज इज द विंडो थ्रू विच वन सीज द वर्ल्ड और रीडरली टेक्स्ट है तो रीडर अपनी पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है राइटरली टेक्स्ट है तो राइटर समझने की कोशिश करता ठीक है

आइडेंटिफाई द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग अरुण कोलाटकर पढ़िए जल्दी से देखिए इसके लिए जो राइट right आंसर आने वाला है द राइट वन आंसर इज ए बी एंड डी करेक्ट कौन सा है अरुण कोलाटकर यूजेस कलोकियल स्पीच इन हिस्स पोएम कोलाटकर इन एब्स्ट्रैक्ट एबस्ट्रेक्ट क्वालिटीज टू पेंट अ पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ हिज ऑन काइंड एंड देन डी प्राइवेट पोएम्स इन पब्लिक गार्डन इज कंपोज बाई दिलीप चित्रे देखिए यह क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस वन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था मैं बता देता हूं अरुण को लाटकर करके जेजुरी से अरुण से तो नहीं आया था ऐसा दिलीप चित्रे से तो शायद एक कोई क्वेश्चन आया था हाँ ये देखिए जैसे इथोपिया इज द पोयम बाई अफ्रीका पोएम ऑन अफ्रीका बाय अरुण कोलाटकर ऐसी कोई पोएम इन्होंने नहीं लिखी है ठीक एंड पोएम बोट राइड बाय कोलाटकर टॉक्स अबाउट राइड इन द गंगेज नहीं बोट राइड इज द पोएम बट नॉट टॉकिंग अबाउट द राइड इन गंगेज ओके सो अरुण कोलाटकर का ये जेजुरी वर्क बहुत फेमस है और कोलाटकर के बारे में आपको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए दो राइटर के नाम आप लिख सकते हो दिलीप चित्रे एंड कोलाटकर At least पढ़ना चाहिए आपको. राइटर एंड दर्ड बाग कलेक्शन एंड वर्ड देखिए बेसिकली ये नॉवेल तो नहीं होना चाहिए है ना द राइटर एंड द वर्ड टाइटल से ऐसा लग रहा है ट्रेबलॉग होगा क्या हो सकता है कलेक्शन ऑफ एसेज ये भी हो सकता है नॉन फिक्शन भी हो सकता है राइट right आंसर है इसके लिए गाइज कि ये कलेक्शन ऑफ एसेस था द राइटर एंड द वर्ल्ड देखिए ट्रेवलॉग होता तो थोड़ा ट्रैवल के बारे में लिखा होता ना कि जैसे ट्रैवल टू डेली लंडन अफगानिस्तान ऐसा कुछ हो सकता है ट्रैवल लॉग है ना ट्रैवल होगा कहीं ना कहीं के लिए ये कलेक्शन ऑफ एसेज या नॉन फिक्शन वैसे एक बात मैं बताऊं कि अगर वो कलेक्शन ऑफ एसेज है तो वो नॉन फिक्शन है और ऐसे क्वेश्चन दे करके जो आपका एन है पता नहीं क्यों अपने आप को विवादों में डालना चाहता है देखिए वो क्योंकि एसे है तो एसेज का मतलब है वो नॉन फिक्शन है ठीक है एसे का मतलब ही नॉन फिक्शन होता है ये खैर नहीं है ये दोनों तो नहीं है रेबलॉग नहीं है लेकिन कलेक्शन ऑफ एसेज और नॉन फिक्शन क्लेम कर दीजिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का वो मिल जाएगा रिवॉर्ड is इज अ बुक ऑफ ग्रामर एंड पोइटिक्स in इन द लैंग्वेज एक्चुअली गाइड जब हम बातचीत करते हैं ना चोल कैपीएम की सो so, ये ग्रामर एंड पोइटिक्स की बुक है जो बेसिकली लिखी हुई है किस लैंग्वेज में तेलुगू तमिल कन्नड़ और मलयालम में ये वैसे बहुत फेमस है ये बहुत फेमस बुक है एक्चुअली आप अगर पढ़ोगे तो लैंग्वेज वगैरह की स्टडी में जीके जी तक के पार्ट में ये मानी जाती है टॉल के पीएम है ना एक ग्रामर की बुक है और इसे लिखा है तमिल लैंग्वेज में बेसिकली गाइज टॉल के पीएम के जो राइटर हैं उनको माना जाता है टॉल पीए गाइज है ना और ये तमिल लैंग्वेज की बुक है क्योंकि तमिल लैंग्वेज को बेसिकली बहुत अपरानी लैंग्वेज माना जाता है गाइज है ना ऑल्सो रोमनाइज एंड टोलाकियम पीएम इज द मोस्ट एंशियंट एक्सटेंट देख लीजिए तमिल ग्रामर टेक्स्ट बहुत पुरानी तमिल ग्रामर टेक्स्ट है तमिल लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा रोल है अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते पढ़ते तमिल लिटरेचर या यू में कुछ भी करना पड़ सकता है भाई इसमें कोई भरोसा नहीं है कि क्या क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म अपोरिया अपोरिया स्टेट ऑफ इंड स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी स्पीकर और कैरेक्टर्स डिलीबरेशन ऑन एन इन रेजल क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं है ना राइट right आंसर आप समझ गए होंगे कि राइट right आंसर वही होगा जो हम पहले कह रहे थे ये है ना इॉरी e... हा <coughs> <Sorry. coughs> जहां पर कंडीशन इरेजोल्व जिसे रिजोल्व ना कर पाए हम लोग ना स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी ये देखिए इजोल्व जिसे रिजोल्व नहीं किया जा सकता दैट इज अपोरिया ये कॉन्सेप्ट जो है डेरिडा के साथ एसोसिएटेड है डेरिडा जैक्स डेरिडा डी कंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा नेक्स्ट वन डोनाल्ड डेवी फिलिप लार्किन, किंग्सले एम जॉन वेन और ये देखिए गाइस इन वर्क्स को आपको मैच करना है देखिए किंग्सले एमिस थ्री टाइम आप अपने एग्जाम में देख पा रहे हो ना थ्री टाइम गाइस है ना देखिए एक बार आपसे पूछा गया आ, लकी जिम वाला एक बार एंग्री मैन मूवमेंट के उसमें आ गया और एक बार देखिए थ्री टाइम्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन किंग्सले एमिस मतलब नोट डाउन करके लिख लीजिए किंग्स लेमिस इज द प्रोमिनेंट राइटर जिन्हें पढ़ना चाहिए आंसर कीजिए जल्दी से सो डोनाल्ड डेवी फिलिप लार्किन एंड इज जॉन वेन देखिए ये सारे एक तो आप ये देख रहे हो एंग्री यंग मैन वही वाले मूवमेंट के सारे हैं डेवी लार्किन एम एस वेन है Devi, Larkin, Amis, ना डेवी लार्किन एस एंड वेन सारे उसी के लग रहे हैं मैच कर लेते हो देखिए डोनाल्ड डेवी ने जो गाइस वर्क लिखा है दैट इज द शायर्स फिलिप लार्किन का जो वर्क है दैट इज दॉर्थ शिप है 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 ये एन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड जॉन वेन का हरी ऑन डाउन ठीक है ये देख लीजिए ये यहां पर लिखे हुए भी हरी ऑन डाउन थ्री टाइम डायरेक्टली आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम एनालिसिस यही होता है मस्ट रिमेंबर एग्जाम एनालिसिस ऐसे ही आपका काम करता है नेक्स्ट वन देखिए

आपको आंसर चूज करना है ना करेक्ट वाला आंसर देखिए वैसे इतना खतरनाक टाइप का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमारा दिमाग ही खराब होने लगता है लेकिन ठीक है जो फिर है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू अनस्ट्रेस्ट सिलेबल ठीक है इसके बाद देखिए एमपी में एफ मैशर मीट्रिकल फुट ऑफ थ्री सिलेबल जो इसमें सिर्फ थ्री सिलेबल होते हैं कॉरियम्बस इट इज फुट ऑफ वर्ड्स नहीं ये गाइस बेसिकली आ, या इट इज फुट ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेस्ड सिलेबल हाँ इकोइंग अनस्ट्रेस्ड तो ठीक है ये ट्रोकेई आयम्बिक का अपोजिट ट्रोके होता है इट हैज ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड नहीं ऐसा है क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन तो है ट्रॉकी इट हैज स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड वैसे आईटी आयम्बिक का उल्टा ट्रॉके होता है ना आयम्बिक में क्या होता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल ऐसे ही होता है ना वन मिनट के लिए ऐसा कैसे गड़बड़ हो सकता है मामला प्लीज प्लीज रुकिएगा अनसेंटेड सिलेबल फॉलोड वन तो यहां पर इससे वैसे ये क्वेश्चन का आंसर भी गलत ही मान लीजिए है ना क्योंकि ये भी तो सही ही लिखा ना स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई एनअ्रेस्ट ठीक तो है आट्रेस्ड सिलेबल एक स्ट्रेस्ड होगा और एक अनस्ट्रेस्ड होगा क्या दिक्कत है तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत ही है पैटर्न पर है ना टोटली गलत हो जाता है अच्छा थोड़ा सा इस पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं यहां पर है ना ये देखिएगा मैंने तो कुछ आपको पढ़ाए थे आयम्बिक ट्रोके एनापेस्टिक एंड डाकलिक पढ़ाए थे लेकिन इधर देखिएगा ये कई सारे गाइज आपके लिए मीटर होते मीट्रिकल पैटर्न जो ये ऐसे आपको लाइन मिलती है इसका मतलब है स्ट्रेस्ड मतलब अगर सिंगल लाइन आपको ऐसी मिल रही है देखिए अगर ऐसा मिलता है इसका मतलब है एस और अगर आपको ऐसी मिल रही है इसका मतलब है अन Unstressed. कई बार आपको ये अनस्ट्रेस्ड के लिए ऐसा भी बना दिया जाता है ना यस देखिए सो यहां पर क्या मिलता है टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई वन स्ट्रेस सॉरी टू स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई वन अनस्ट्रेस्ड इसके लिए मैं लिखता चलता हूं यहां पर होगा टू स्ट्रेस्ड वन अनस्ट्रेस्ड ठीक है डैक्टिल सो आएम्बिक का अपोजिट क्या होता है आई टी का उल्टा ठीक है, है Dactyl. So, Dactyl में क्या मिलेगा आपको? One stressed followed by two unstressed. में क्या मिलता है आपको टू unstressed, है ना बैक्शीस में क्या आपको मिलने वाला है सो so, ये मिलता है इसमें वन अनस्ट्रेस्ट और टू स्ट्रेस्ट ट्रोके में क्या मिलने वाला है आई एमबिक का उल्टा ट्रॉके तो मतलब वन स्ट्रेस्ड एंड वन अनस्ट्रेस्ड स्पॉन्डी स्पॉन्डी में गाइज आपको टू स्ट्रेस्ड मिलने वाले एम्फी मैशर में आपको क्या मिलता है वन स्ट्रेस्ड एंड देन वन अनस्ट्रेस्ड आपको मिलता है, one is stressed, two is stressed. है ना वन स्ट्रेस्ट टू अनस्ट्रेस्ड एंड देन वन स्ट्रेस्ट बड़ा खतरनाक पैटर्न है यह आपको किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा क्यों नहीं पढ़ाते क्योंकि क्या करे सब लोग जानते हैं कि बट लेकिन ये बात मान लीजिए बहुत काम की चीज है ये। स्क्रीन स्क्रीनशॉट इसका भी कर लीजिए काम आ सकता है आपके लिए है ना पैन पैन में क्या मिलता है आपको एक वन स्ट्रेस्ड मिल जाएगा और थ्री अनस्ट्रेस्ड मिलते हैं ठीक है और आयम्ब में क्या मिलता है अनस्ट्रेस्ड वन मिलेगा है ना और बाकी वन स्ट्रेस्ट मिल जाएगा ये आपको कहीं में भी पढ़ने को भी ना मिले होंगे डेफिनेटली शायद आपने पढ़ा हो लेकिन मुझे लगता है कि नहीं पढ़ा होगा थोड़ा मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है राइटिंग को समझ लीजिएगा ठीक है एस का मतलब स्ट्रेस्ट यूएन का मतलब अनस्ट्रेस्ट ये नंबर लिखा हुआ है नंबर आपको ऐसे याद रख लेना चाहिए याद याद प्लीज बच्चे मेरे कंफ्यूज ना हो थैंक यू सो मच गॉड है ना कि कम से कम कुछ तो बच्चों को समझा पा रहा हूं वाह ग्रेट ये सारी चीजें आपको मिली भी नहीं होंगी कहीं पर ये सारा पैटर्न होता है जो आपके लिए तमाम सारी नमूने गिरी पूछ ली जाती है यू में प्लस में पढ़ा होगा लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा एम सब नहीं पढ़ा आपने कभी एंटी बैक्सिस मैंने भी कभी नहीं पढ़ाया बच्चों को है ना बट लेकिन है पैटर्न बहुत ही खराब चलेगा लाइफ कैसी भी हो एडजस्ट चलेगा हमसे हु इज द ऑथर ऑफ लिटरेचर ऑफ देयर ये तो बहुत सिंपल है लिटरेचर ऑफ देयर दाई एल एनसो वाटर लिटरेचर ऑफ देयर दाई एल एनसो वाटर ठीक है नेक्स्ट वन अल्फ्रेड लॉ टेनिसन इन ए एल लाइन ये लाइन है गाइज आपकी कि क्या लिखा है रिफ्लेक्ट अपॉन सेक्युलरिज्म रिफ्लेक्ट अपॉन एवोल्यूशनरी फेथ रिफ्लेक्ट अपॉन यूटिलिटेरियनिज्म रिफ्लेक्ट अपॉन मटेरियलिज्म पढ़ते हैं ये आई डाउट नॉट थ्रू द एजेस वन इंक्रीजिंग परचेज रन एंड द थॉट्स ऑफ मेन आर वाइड विद द प्रोसेस ऑफ द सन्स कुछ कुछ पढ़ा है वाह क्या बात है कुछ कुछ पढ़ा है तो तो सबा बहुत अच्छा है और हमेशा पढ़ो बच्चा पार्टी तो वो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है सच में हम्म क्योंकि गाइस देखिए यहां पर परचेज वर्ड आ गया है ना परचेज अगर सेकुलरिज्म की बात होती तो थोड़ा समझ ही रहे हैं रेवोल्यूशनरी फेथ अगर किसी रेवोल्यूशन की बात होती तो रेवोल्यूशनरी यहां पर आइडियाज भी तो होते वैसा भी नहीं है मैटीरियलिज्म हाँ थोड़ा परचेज है मैटीरियलिज्म से जोड़ सकते हैं बट गई ये जो लाइन है ना ये लॉक्सले हाल से है और ये लाइन यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना यूटिलिटेरियनिज्म का जो बहुत ही पॉपुलर था ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम उसी टाइम पीरियड के है ना लक्सले हालिक इनकी पोयम है दैट वाज केम इन द ईयर 1835 और 1842 में पब्लिश हुई थी कलेक्शन ऑफ एक कलेक्शन आया था इनका पोएम्स का नेक्स्ट वन ये फिगर ऑफ बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच एंड टर्म्स का कॉम्बिनेशन है है ना हम्म hmm. टर्म्स के रिकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बताया था ना यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं हिस्ट्री और टर्म्स को लेकर के प्लीज डू वॉच फिगर ऑफ स्पीच का भी वीडियो पड़ा हुआ है प्लीज वॉच कीजिएगा यह क्वेश्चन आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है देखिए यहां पर जो हमें मैचिंग करनी है तो डिवाइसेस की मैचिंग करनी है है ना

ना दाउ अनविस्ट ब्राइड वाला तो ये कीट्स हो गए आपके एसोनेंस एंड आई मास्ट हाई कम फ्लोटिंग बाई एज अ ग्रीन एज एमराल सो ये वाला गाइज आपका सिमिली है आज एज यूज कर दिया गया है एज ठीक है ग्रेट चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मार्गरेट एटवुड नेम नोट कर लीजिएगा इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए मार्गरेट एटवुड लेडी ऑर एक्ल द ब्लाइंड एस्यूशन हैंडमेड स्टील टेस्टामेंट अहास ग्रोइ तो यहां पर आपको क्या देखना है यहां पर आपको बताना है पब्लिकेशन है ना बिल्कुल पब्लिकेशन so, का मतलब है तभी क्रोनोलॉजी बनेगी ए ई बी डी देखिए लेडी और सिक्स द ब्लाइंड टू थाउजेंड एंड टेस्टा मेन्स टू मतलब मैंने बताया था ना 2019 तक के क्वेश्चन बने और अगली बार के एग्जाम में 2020 तक के बन जाएंगे आइडेंटिफाई वन दैट हैज नॉट बीन पेयर्ड करेक्टली कौन सा नहीं मैच किया गया करेक्टली क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पोइट्री एंड रिप्रेशन स्ट्रेंजर्स टू आर सेल्स ओके okay, देखिए इसका राइट right आंसर बहुत ही करेक्ट राइट आंसर है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बट आप ये पूछ सकते हो सर मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये क्यों मैच नहीं है क्योंकि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये मिशेल फूको के साथ मिशेल फूको के साथ ठीक है दैट्स वाई ये मैचड नहीं है और नहीं है मैच्ड मतलब वही हमें आंसर चाहिए मिशेल फूको मैडनेस एंड सिविलाइजेशन नेक्स्ट वन आइए जे मिलर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन मेक्स अ डीकंस्ट्रक्शनिस्ट रीडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ पी बी शैल द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ ओ टू दस्ट विन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम द विच ऑफ एटलस The Witch of Atlas. Next one. So guys, इसका आंसर देख लेते फटाफट द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ गाइज ट्रिम्फ ऑफ लाइफ दिस इज गाइज जिसको डीक जिसकी डी कंस्ट्रक्शनिस्ट स्टडी की गई है और करने वाला कौन था जे एच मिलर जे एच मिलर ही गाइड ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर अमंग द डी कंस्ट्रक्शनिस्ट है ना सर आंसर बहुत कम आ रहे हैं इसलिए बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा बच्चों को आंसर देने से अच्छा लग रहा है कि सुनते रहो है ना कुछ लोग अपना काम कर रहे होंगे लाइक कोई खाना बना रहा होगा कोई किसी काम में बिजी होगा सुड पोएट्स जो कोई जैसे पढ़ रहा है ना वैसे एक वीडियो बना के भेज दीजिएगा मुझे है ना मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पर आप शेयर कीजिएगा जैसे आप पढ़ रहे हैं ना किसी दूसरे के मोबाइल से एक वीडियो बनवा लीजिएगा फिर मुझे शेयर कीजिएगा अच्छा लगेगा मुझे इंटरेस्टिंग कि कैसे पढ़ते हैं आप लोग बैठ करके सुड पोएट बाइसिकल पंप the human heart or squashed flat man's love is in man's life a thing apart girls aren't like that the web lines are written by ये पता नहीं कौन लिख रहा है ऐसा फिलिप लार्किन किंग्सले एमियस डोनाल्ड डेवी जॉन विन देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है वो समझ लीजिए इनका फैन था लार्किन का एमिस का डेवी का जॉन विन का इनका बहुत बड़ा फैन था जिसने भी ये पेपर बनाया है समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कोई है जो वीडियो भेजेगा जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं आप में से तो कुछ नहीं भेजेंगे बोलेंगे काहे के लिए भेजें हम भेजने का मतलब है कि सर हमारी वो करेंगे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ना आप भेज सकते हैं इफ यू विश चलिए देखिए राइट आंसर कौन सा है राइट वाला आंसर है किंग्सले एमिस फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम किंग्सले एमिस मतलब एमिस भाई का बहुत बड़ा फैन था वो है ना किंग्सले एमिस का बहुत बड़ा फैन था वो उसको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए एनटीए का पेपर सेटअप करने के लिए नेक्स्ट वन गिवेन बेलो आर टू स्टेटमेंट वन इज एसर्शन सर्सन एंड अनादर वन इज ए रीजन अब देखिएवर हाउ शैल ही डिस्कवर ही रोज द विजिबल टेम्पल्स ऑफ गॉड इज स्टेटमेंट बाई थॉमस कार्लाइल स्टेटमेंट मेड बाय जॉन रास्किन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है कौन किसके साथ है देखिएगा देखिएगा इस दोनों स्टेटमेंट कहते हैं ये करेक्ट है ही हुट एवर उल ही डिस्कवर्सिबल टेम्पल्स ऑफ गॉड इज ए स्टेटमेंट बाई टॉमस कार्लाइल तो है इट इज नॉट दैट मैन आर फेड है ना सो ये स्टेटमेंट जॉन रस्किन का है तो भाई दोनों जब है तो ठीक है और यस दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी है इसमें यह तो नहीं पूछा कि किसी का कोई एक्सप्लेनेशन है ट्रू बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू है ना अब ये कहां पर है ये थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा किस वाले वर्क में है ये देखने की जरूरत पड़ेगी म्स ऑफ फ्लैश फिक्सन ये नया टर्म है ड्रैबल पोस्ट पोस्ट कार्ड फिक्शन और नोबलिटी शोर स्टोरी नैनो फिक्शन यह भी गलत हो गया था क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन बाद में गलत हो गया था याद है आपको ओके राइट आंसर देखिए वैसे ए बी और ई e माना गया था मतलब ड्रैबल जो हो फिक्शन हो और नैनो हो लेकिन गए जिसमें से ए बी ई तो मान लिया लेकिन शॉर्ट स्टोरी तो इसको भी मानना था शॉर्ट स्टोरी को भी तो इसीलिए ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया गलत मान लिया गया था आइडेंटिफाई द नॉवेल्स दैट वर पब्लिश इन नाइनटीन एटीज एंड नाइनटीन नाइनटीज रेड अर्थ एंड पॉलिंग ग्रेन the circle of region the ghost of washu master migal street or the seas of babylon the seas of babylon okay राइट वन आंसर इसके लिए कौन सा है द राइट वन आंसर इज ए बी एंड सी नाइनटीन एटीज में कौन सा नहीं पब्लिश uh, so, इन नाइनटीन एटीज एंड द नाइनटीन नाइनटीज तो इनमें से ए बी सी यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला बट मिगल स्ट्रीट सीज ऑफ बैबिलून दीज वर नॉट पब्लिश इन नाइनटीन एटीज और नाइनटीन नाइनटीज है ना बिल्कुल नेक्स्ट वन है इज ये क्वेश्चन एक बार फिर से स्टेटमेंट और रीजन लवर था आपका पोएट सॉरी सॉरी जिसने एग्जाम सेट किया है ना वन इज लेबल्ड एज अ सर्सन सो देखिए इन नाइनटीन सेंचुरी गड़बड़ हो गया क्या परसेंटेज लिखा हुआ है चलिए ठीक है इन नाइनटींथ सेंचुरी सलॉट पॉकिन असर्टेड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ओवर वोटिंग राइट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ व मैन पावर सीक्स वॉज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल नाइनटींथ सेंचुरी इन नाइनटीन सेंचुरी सो राइट आंसर क्या है इसका प्लीज एशर्सन एंड रीजिंग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और यह दोनों स्टेटमेंट है सरलॉट पर्किस यस पर्किस गिलमन के तो ये दोनों गाइज क्या है करेक्ट हैं क्यों इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बातचीत की थी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन 19 परसेंट था सो दैट्स व्हाई दे आस्क्ड वोटिंग राइट तो बहुत लेटर ऑन टाइम पीरियड में मिला था ठीक है यस हाना हानाहइजेशन इज वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट ट्रूथ पोस्ट ट्रूथ रिलीज ऑन द एबसोल्यूट लाइस इसमें से कौन सा सही है प्लीज स्टेटमेंट वन टू और दोनों इनकरेक्ट है दोनों करेक्ट है अब जैसे इनका नाम है ये नाम ही थोड़ा सा न्यू पड़ता है डीफेक्शन को लेकर के डीफेक्शन सो इनके लिए राइट right आंसर आता है आपका यस पोस्ट ट्रुथ रिलाइज ऑन अब लाइज है ना पोस्ट ट्रुथ सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है फर्स्ट सेकेंड वाला और फर्स्ट वन करेक्ट है अब ये कैसे पता चलता है देखिए इसके पीछे एक बात है मैं बताऊं आपको ये जहां से जिस टेक्स्ट से पुटअप पिकअप किए गए हैं लाइक हाना अर्ड के टेक्स्ट से सो so, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एलियन क्वेश्चन हो जाएगा और इवन फॉर मी एज वेल ओ हेनरी रुदार्ड के प्लेइंग ऑस्कर वाइल्ड राल फोल्डो इमर्शन. यहां पर आपको मैचिंग मैचिंग खेलनी है तो मैचिंग मैचिंग खेल लीजिएगा मैचिंग मैचिंग चलिए सो ओ हेनरी रुदयाण किपली देखिए इसका आंसर आप देखिए द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज ओ हेनरी हार्ड टू फॉरगेट किपलिंग कौन सा गाइज वर्क लिखा था रुद्याड किपलिंग ने का जो वर्क है ये है लास्ट सिटी ऑस्कर वाइल्ड का कौन सा वर्क है ऑस्कर ने गैस लिखा है एट वेरोना एंड इमर्सन ब्यूटी इमर्सन ब्यूटी दिस इज द राइट वन मैचिंग ये इनके गाइज वर्क है बेसिकली और मैचिंग है हा ये मैं आप एक बात आपको बता दू थोड़ा सा ये रेयर वर्क है वैसे हम लोग इनको जानते हैं इन राइटर्स को ऑस्कर वाइल्ड हो राल फुल्डो इमर्सन हो मोस्ट ऑफ द राइटर्स है ना यस हु द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द रिवेंजर्स ट्रेजेडी सिरिल टर्नर जॉन बेब्स्टर जॉन फ्लेचर थॉमस हेवुड हु फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द रिवेंजर्स ट्रेजेडी रिवेंजर so, स्ट्रेजेडी किसने लिखा है ओ एमर्सन का सिर्फ पता रहा अच्छा कोई बात नहीं जो पता है ना ओके, okay. सो so, देखिए इसमें से जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना क्यों गड़बड़ हो जाता है सिरिल टर्नर, वेबस्टर फ्लेचर और थॉमस हेबुड एक्चुअली में देखिए इस क्वेश्चन के लिए आ, ये ज्यादा बेहतर है है ना यस yes. क्योंकि ये जो वर्क है बेसिकली एसोसिएटेड है सिरिल टर्नर बट ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये थॉमस मिडल्टन का है ये क्वेश्चन इन्होंने जानबूझ करके पता नहीं क्यों पूछ लिया ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जो वर्क है ना रिवेंजर्स स्ट्रेटी एक्चुअली एसोसिएटेड विदल्टन थॉमस मिडल्टन के साथ एसोसिएटेड है लेकिन इधर का क्या मैटर है इधर का मैटर ये था कि इन्होंने कह दिया सीरल टर्नर एक्चुअली इसकी ऑथरशिप को लेकर के क्वेश्चंस क्वेश्चन मार्क लग जाता है ऑथरशिप को लेकर के है ना एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है ऑथरशिप को लेकर के चलिए नेक्स्ट वन सुब्रमणिज फैंटसी ईटर्स इज अ नॉवल कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन ऑफ एसेज और पोएम राइट वन आंसर सुब्रमणिज फैंटसी ईटर्स इज अ अल कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन ऑफ एसेज और पोएम ओके, सो राइट आंसर या देखिए आपके लिए जो राइट आंसर है गईज इसका तो ये वाला है राइट आंसर दैट इज कलेक्शन ऑफ सॉ स्टोरीज है ना या मील वाइल सुब्रमणी कंटिन्यू टू राइट द फिजियन शॉर्ट स्टोरीज कलेक्टेड टुगेदर इन एन एंथोलॉजी कॉल्ड द फैंटसी ईटर्स 1988. द बुक इज एक्सपैंडेड टू अर्जर वॉल्यूम वाइल्ड फ्लॉर्स विद एडिशन ऑफ निवर स्टोरीज है ना यस yes. मुझे लगता है आज के लिए बहुत है क्योंकि मैंने टू आर्ट आपको पढ़ा दिया है अप्रोक्सीमेटली कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं तो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको ये जैसे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन काफी सारे रिमेन हैं अगर मैं आपसे कहूं तो अप्रोक्सीमेटली अभी आपके फोर्टी क्वेश्चन रिमेन है मुझे लगता है मैंने सिक्सटी कर डाले हैं जिसमें से अभी आपके थर्टी क्वेश्चन एटलीस्ट रिमेन है मान लीजिए कुछ तो पैसेज वाले हैं बाकी रिमेन है तो एक काम कीजिएगा मैं किसी अगले सेशन में कवरअप कर दूंगा और कहां पर कवरअप कर दूंगा ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे उनको पता चल जाए है ना गाइज ये तो मैं या तो मैं इसको यूट्यूब ही प्लेटफॉर्म पर कवरअप कर दूंगा बेसिकली मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही कवरअप करूंगा आपको टेलीग्राम में इसका लिंक मिल जाएगा फिर दोनों वीडियोज को एक साथ मर्ज करके भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ठीक है सो ये सिक्सटी क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली हो गए ये फर्स्ट शिफ्ट वाला था अभी सेकेंड शिफ्ट का आपका आने वाला है फिफ्टीन को मैं सेकेंड शिफ्ट भी लेकर के आऊंगा ठीक है और फिफ्टीन से पहले रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपके मैं YouTube प्लेटफॉर्म पर ही आपके लिए कवरअप कर दूंगा और अगर फिर मर्ज चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा सो जस्ट गाइज फॉर कंप्लीट कोर्स ऑन ऑफ फॉर बोथ द पेपर पेपर वन एंड पेपर टू के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से देन आपको मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्टर करना होता है और कैटेगरी चूज कीजिए एन टी ए यूजीसी नेट सेट और ए के एस राजवीर अंकित कुमार साहू राजवीर आप ये मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ठीक है सो थैंक यू सो मच प्लीज डू लाइक द सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए मेरे साथ ट्यून रहिएगा रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम लोग डन कर लेंगे अच्छा रहेगा ना ग्रेट सो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड गुड नाइट फिर से जल्दी से मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत